So कोहली की शर्ट पहन के लोग जाते हैं भाई मैच देखने के लिए मतलब हमने देखा हुआ टेंडुलकर को भी चेयर करते हुए किसी टाइम पे तो कल्चरल कंजम्पशन कितनी ज्यादा है इंडियन सिनेमा का कितना बड़ा फिनमिना पाकिस्तान की आपकी मेरी चाइल्ड मेमोरी में रहा है हुँ? हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अ सरप्राइज एपिसोड ऑफ़ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस हम पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे क्योंकि बाय द टाइम ये एपिसोड कम्स आउट आई एम श्योर मुजमिल के हंड्रेड के हो चुके होंगे यूट्यूब के ऊपर जर्नलिस्ट हैं कंटेंट क्रिएटर हैं ब्रॉडकास्टर हैं फिलोसोफर हैं तकरीबन तकरीबन फिलोसोफर है ट्विटर पर <laughs> जाएंगे तो लोग बोलेंगे लंडे के फिलोसोफर yeah, हैं हाँ, <laughs> आज मैं ऊपर आसमान नीचे कैसे हैं सैयद मुजम्मिल शाह बिल्कुल ठीक और कराची आके सबसे पहला पॉडकास्ट आपका ही है जिसपे पे आया हूं देख लें ये होती है लॉयल्टी कांग्रेचुलेशन ऑन द न्यू जॉब पहले चलें यहीं से शुरू करते हैं uh, बड़ा ताज्जुब हुआ लोगों को कि बोल और मुजम्मिल शाह मुझे भी हो रहा है अभी तक <laughs> 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 बोल वालों को भी हो रहा है <laughs> वो गलत मुजम्मिल को नहीं फोन मिल गया था बस ये अगर वैसे तो अगर बात करूं इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल सीक्रेट बट बाट ये है कि जिस तरह से अंग्रेजी में कहते हैं ना चेंज ऑफ हार्ट तो थोड़ा सा वो प्रोडिक्ट किया मैंने शायद और पता भी चला मुझे कि दे वॉन्ट टू बैलेंस थिंग्स आउट और इसीलिए एस्ट्रॉनिशिंग था जब मुझे रीच आउट किया तो मैंने भी पहले सोचा कि यार ये कैसे हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव दे आर ऑन इंटायरली अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम मैं बिल्कुल अपोजिट साइड पे तो वहाँ रेलिवेंस ना बनती मैं जाता उनकी ऑडियंस कुछ और है मेरी कुछ और है तो इसमें यही है कि आ, मुझे ये लगा कि शायद कुछ बैलेंस करने का एक एफर्ट है और मैंने यही चीज़ इंश्योर की कि मैंने अपना माइंड बोलना है भाई मतलब जो मैं कहूँगा वो मुझे कहने दिया जाए तो कोई भी प्लेटफॉर्म सही है तो बात ये है कि जर्नलिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेन स्ट्रीम में आपको भी पता है क्योंकि यू आर एंगेज विद द मेन स्ट्रीम इज़ वेल कि उस पर बड़ा प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो जितनी बड़ी आपकी रीच होगी उतनी क्रेडिबिलिटी भी बन सकती है उतनी बात की इफेक्टिवनेस हो सकती है तो ऑब्वियसली हम एक मॉरल बॉयकॉट तो कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों का लेकिन वहाँ पर यह था कि इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म रिगार्डलेस टू वट एवर दे हैव बिन डूइंग बट देव एन ऑडियंस और उस पर जाके अगर मैं इसी तरह से अपनी बात करता रहा हूँ जैसे दीगर प्लेटफॉर्म्स पे कर रहा हूँ सो आई से शॉर्ट ईयर आपको लगता है दिल बदल गया है या आपको लगता है कि मीडिया भी रियलाइज़ कर रहा है कि भाई बड़े भाई जो हैं उनसे नाराज़ हो के ज़िंदगी नहीं हम गुजार सकते <laughs> वेरीफाइड तो नहीं है आप वेरीफाई करते हैं। अभी किसी ने ये भी ख़बर दी थी कि शबाज शरीफ का कोई जानने वाला चैनल है जिसको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट एड मिल चुके हैं ए आर वाई के साथ जो हुआ उसके बाद वहाँ भी एक खौफ नजर आता है और पी टी आई बड़ा तनकीद करती है कि यार ए आर वाई तो अब ज़रा हल्के में आ रहा है थोड़ा न्यूट्रलाइज हो गया थोड़ा तो बोल रहता था और सब बोल की तरफ चले गए थे फील लाइक बोल इज मेकिंग एन एफर्ट कि भाई बिल्कुल ही गधे घोड़े खान के साथ ना बांध दो हमारा क्या होगा देखिए उसमें यह है कि मैं समझता हूँ कि ये कमर्शियल डिसीजन ज़्यादा है आइडियोलॉजिकल डिसीजन तो चले कह सकते हैं कि प्रेशर आ गया ये सब हो गया लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो रियलाइज़ करने की कोशिश की वो ये है कि हमारे पास दूसरे एंड की ऑडियंस नहीं है बिल्कुल भी और इसके लिए आई वॉज नॉट दी ओनली वन हु वाज रीच्ड और भी ऐसे लोग थे जिन जो डिसग्री करते हैं पॉपुलर नैरेटिव से जो आजकल चल रहा है उनको भी रीच आउट उन्होंने किया वो और बात है किसी ने डिसग्री किया कोई नहीं गया और मैं मान गया तो मैंने सिर्फ ये इंश्योर किया या आप सस्ते थे आ, बस ये कह सकते हैं हम हाँ <laughs> तो <laughs> उसमें ये है कि मुझे ये लगता है कि इट्स मोर कमर्शियल क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो मॉडल है वो इतना नहीं है कि यार ये हमारे नैरेटिव को सूट करता है या नहीं करता ये सोचने बैठ जाएं वो ये देखते हैं कि क्या सेलेबल है किसी कि, किसके पास ऑडियंस है किसके पास नहीं है तो अब अगर मुझे उनको ये लगा कि इसके पास एक ऑडियंस है जिसको हम जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सिस्टम में सो इट्स फाइन मुझे नहीं लगता कमर्शियल डिसीजन है

तो ये है कि पाकिस्तान में बड़े जो जिनके पास जो टैगोन्स हैं बिजनेस मैनेजर्स हैं वो हैं ही पैसे उन्होंने ज़मीन बेच के कमाए हुए हैं सारे दे रिक्वायरिंग एंड इन एक्सप्रेस पेस या एग्जैक्टली तो वो स्टेट भी उसी को सलाम करती है जिसके पास ज़मीन और प्लाट हो तो उसके अलावा तो कोई मॉडल उनको सूट नहीं करता सो दैट्स वाई दैट इज़ द प्रवेलिंग बिजनेस और वही चल रहा है और इसीलिए आपको हर जगह पर उन्हीं की इन्वेस्टमेंट दिखाई देगी चाहे वो मीडिया में हो या और जगहों पर हो तो आई थिंक इट्स ओवरऑल द कंडीशन ऑफ द कंट्री ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है पाकिस्तान में जो भी बड़ा कारोबारी अफराद हैं सारे उनके पीछे कहीं ना कहीं जमीन ही है जो सारे मीडिया हैं ये जमीनों के आगे बिछ कर जमींदारों के आगे बिछ कर खान के खिलाफ खड़े हो गए हैं और एक आदमी आद्म, हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा हुआ है उसकी जान पे भी हमला हुआ है वो कह रहा है वो खड़ा नहीं हो सकता इसीलिए ना जाने दें मुझे आपको शर्म नहीं आती आप उनको तनकीद करते हैं बहुत बुरा लग रहा है आजकल तो एक मैस गिल्ट भी क्योंकि देखे ना मुझे ये लगता है किसी की ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है लेकिन अब मजीद जो है वो देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो कन्विंस हो गए थे कि इट्स गुड फॉर नथिंग पीटीआई का जो फिनमिना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले दे आर नाउ बैक टू द शिप्स और वो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं 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 अब असल में सोलूशन यही है सो so ऑब्वियसली थोड़ा सा रीवैप हुआ है उनका भी स्पिरिट जो है और दिस इज़ द मोस्ट दे कुड डू क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट में होते तो शायद इससे आदि भी गेन ना करते अट्रैक्शन जो अभी कर रहे हैं आजकल क्योंकि सोलूशन तो उनके पास भी नहीं है बस ये है कि हमें गवर्नमेंट में ले आए सो दैट्स वाई आई थिंक के इस स्टेज के ऊपर इट हैज़ गॉट इन डिफिकल्ट आपने भी ये फील किया होगा मैं भी करता हूँ कि ट्विटर हो या और प्लेटफॉर्मस हों वहाँ पर एक मैसेव्यूज़ भी है अगर आप बात करना चाहते हैं इनके अगेंस्ट और चीज़ें तो उसमें इट इज़ मोर डिफिकल्ट इन द कंटेम्प्रेरी पाकिस्तानी पोलिटिकल सेटअप राइट नाउ टू स्पीक अगेंस्ट दिस पार्टी और दिस मैन बिकॉज ही हैज़ सक्सेसफुली प्रोजेक्टेड हमसेल्फ एज अ सेवियर और अब बस यही है कि तमाम मसाइल काल हुई हैं I actually think it's much easier now. खान के ये तंकीद हो रही होती आ, कहा जाता है कि वर्स्ट और इस तरह की हम बातें करते हैं तो इसलिए नहीं करते हम डिपेंड कर रहे हैं yeah. के, के राना सल्ला के साथ खड़े हैं नहीं राना सल्ला वही हरकतें कर रहे हैं yeah. लेकिन क्या जो फित है बस उनसे ये हो सकता है कि हर दो दिन में इसको करेंगी बट <laughs> जर्न uh, yeah. के साथ जो हुआ इमरान खान के ट्रेसिडेंट इनबल hmm. uh, exactly. बात यह है सबसे एस्टोनिशिंग चीज़ मेरे लिए ये है कि इतनी शॉर्ट टर्म मेमरी है लोगों की के सब लगता है कि सारा का सारा जो आठ दस महीने से पहले का पाकिस्तान था उसमें दूध और शहद की नहरें बह रही थी और तमाम सोलूशन प्रोवाइड कर दिए गए थे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सॉरी दिस इज स्लिंग आउट फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इफ यू हैड अ फॉर एवरी टाइम दैट सो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो गारंटीड थी और इसके अलावा सिविल लिबर्टीज़ अपने रूज पर थी और पार्लियामेंट धड़ाधड़ काम कर रही थी इसके अलावा इकॉनमी बूम कर रही थी और वो सब आकर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से रिवर्स हो गया तो ऑबियसली uh, मैं समझता हूँ कि खान साहब की मेहनत है ये भी जिस स्पीड से वो नैरेटिव क्रिएट करते हैं जितनी अपेयरेंस टी वी के ऊपर उनकी हैं आप मैच कर लें बाकी तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को एक पूल में डाल दें इनको अकेले एक पूल में रख लें एंड आई थिंक ही माइल्ज ऑफ ऑल ऑफ दैम उसकी वजह यह है कि इतना आप और मैं कॉन्टेंट क्रिएट नहीं कर सकते एज एज कॉन्टेंट क्रिएटर प्रोफेशनल जितना एक पॉलिटिशन इमरान खान कर रहा है एट द एज ऑफ सेवेंटी सो इट्स इट्स दैट एज ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन जिसमें अगर फ्रीकुंटली आप अपीयर कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर दैट्स ए नफ बिकॉज यू जस्ट हैव टू इन्श्योर योर प्रेजेंस तो एक मेमरी जो है वो वहाँ से एक परजिस्ट करना शुरू हो जाती है तो बाकी आप शहबाज शरीफ की कौन सी आपको लगी है कोई इस तरह का डिफेंस उन्होंने किया हो आके पी डी एम के पार्ट पे या पी एम एल एन का जो उन्होंने कैपिटल सारा लूज़ किया है पोलिटिकल कैपिटल उसको रीवैप करने के लिए कुछ किया हो आई डोंट रिमेंबर इम डूंग इट

और वो सारी चीज़ें वो नहीं कैपिटलाइज़ कर पाए उसके ऊपर उसकी वजह ये है कि बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंस से गवर्नमेंट है जो दिखाई देती है बिलावल साहब भी लास्ट मंथ कह चुके हैं कि अगर हमें सूबों का बजट उतना ना मिला जितना गारंटी हुआ है हम कैबिनेट से अलग हो जाएंगे इसके अलावा सरदारी साहब की बड़े क्लियर डिफरेंसेस रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब के साथ और और, और लोगों के साथ तो मौलाना साहब का एक अपना स्टैंड पॉइंट है व्यू पॉइंट है तो डिस दिखाई देती है तो इस सूरत हाल में आई थिंक इमरान खान इज़ द इज़री शहबाज शरीफ साहब ने वो एहसान किया खान साहब पे जो खान साहब खुद नहीं कर सकते पी टी आई पेट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिंस बाकी अवेलियन और रियलिस्टिक में बिलीव करते हैं इवन दो तो आपकी लास्ट स्टेटमेंट से मैं करता आएंगे वैसे तो गलत बात है uh, कि आप किसी को बैन करते हैं एक कोई पुल 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 पॉलिटिशन है वो बातें करता है बट द इंटायर पी टी आई रिलय मीडिया कवरेज तो अगर आप एक ईवल तरीके से सोचें कि यार इनको कॉम्बैट करने का बेस्ट तरीका क्या है बेस्ट तरीका तो यही है कि फिर ऑक्सीजन ख़त्म कर दो अगर आप पचास चैनल्स हर रात इमरान खान को दिखाएगा तो फिर तो उसके बयानी से आप लड़ सकते नहीं है ना नहीं इसलिए लड़ नहीं सकते उसकी वजह यह है कि हम लोग ये इस चीज़ का रिगार्ड वही बात है कि मीडिया भी पैसे कमाने के लिए है मतलब इट इज़ अ इट इज़ एन इंडस्ट्री ड्रिवन बाय सरप्लस वैल्यू हम ये नहीं देखते कि वो सच दिखा रहे हैं और वो सारा कुछ कर करें आर्टलिस्टिक बातें तो होती रहती हैं यहाँ पर लेकिन मीडिया ने भी वही दिखाना है जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं और कंज्यूम यही हो रहा है उसकी वजह यह है कि एक पॉपुलर नैरेटिव ही ये बन चुका है तो उसमें अगर आप मीडिया को रोक के भी देखा आपने बहुत से चैनल से प्रेशराइज़ भी उनको किया लेकिन उसके बावजूद वो आ रहे हैं स्क्रीन पर अब भी नवाज शरीफ साहब गायब हो गए थे मैंने लाहौर में एक ऐसा सेमिनार अटेंड किया हुआ है जहाँ पर नवाज शरीफ साहब की स्पीच थी और पाँच मिनट पहले स्पीच से किसी ने प्रोजेक्टर की तारें काट दी थे और नोटेबल लोग बैठे हुए हैं पूरे हॉल के अंदर जिसमें लॉयर्स भी हैं बार काउंसिल के लोग भी हैं पॉलिटिशियंस भी हैं जर्नलिस्ट भी हैं और उसके बाद में एकदम से उस सारे पेमसिस के अंदर पूरे मॉल रोड के ऊपर आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पे सिग्नल चले गए और ब्लॉकेड हो गया एकदम से फ़ोन चल नहीं रहे कि इसकी तकरीर यहाँ पर नशर ना हो सके वो टाइम भी हमने देखा हुआ है तो यही है कि हामिदारी का इंटरव्यू रुक गया था रुक गया था बिल्कुल और वो कुछ इंटरव्यूज़ जो हैं वो एडिट भी हो गए थे तो ये चीज़ है कि इसमें बहुत से लोगों की नौकरियाँ भी गईं, जो जिन सहाफ़ियों ने प्रोग्राम कर दिए किसी ने शादी की खबर दे दी किसी ने कह दिया कि डिफरेंसेस आ गए हैं तो उस पर शो बंद करना पड़ा लेकिन अब खान साहब का ये है कि एक कमर्शियल इंटरेस्ट उनके साथ बहुत लोगों का जुड़ा हुआ है ये जो साफ़ी जो आपको और मुझे शायद खटकते हों और हमें लगता हो कि यार ये एवं ही मतलब पार्टी के एक्टिविस्ट बने हुए हैं मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं सब्सटेंस है नहीं बात करनी आती नहीं है लेकिन बात यह है कि उनको लॉयल्टी नहीं है ख़ान साहब से कोई दर्द दिल नहीं है उनको बस ये पता है कि इसकी बात करेंगे तो व्यूज़ आएंगे व्यूज़ आएंगे तो सेलेबल हो जाएंगे ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे इफेक्टिवनेस भी होगी हर गैदरिंग में नज़र भी आएंगे और पॉपुलर स्टार्स के साथ फिरेंगे तो मुझे ये लगता है कि जहाँ पर इस्टबलिशमेंट ने भी थोड़ा सा जो है वो बर्दाश्त किया है खान साहब को और डिफ़िकल्टी खान साहब पोज कर रहे हैं इस्टबलिशमेंट को वो यही है कि पाकिस्तान में सत्तर सालों से इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि कैसा न्यू इस्टैब्लिशमेंट मॉडल लेकर आए हैं जो कम्युनिकेशन चैनल्स का कंट्रोल था इस्टैब्लिशमेंट का वो उनके हाथ से जाना शुरू हुआ क्योंकि पहले नैरेटिव उनका प्रिवेल करता था हर सूरत हाल के अंदर कोई जंग हो रही है या कोई भारत से स्कर्मिशेज हो गए हैं बॉर्डर के ऊपर या इसके अलावा किसी पॉलिटिशन का इमेज खराब करना है तो लास्ट वर्ड जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आएगा अब नहीं आ रहा अब तो ये है कि कोई एक्स चीफ है या कोई करंट चीफ है उन दोनों के खिलाफ उनका इमेज क्या प्रोजेक्ट करना है वो इमरान खान डिसाइड करेगा जो उसने मुंह से निकाल दिया उसी के नाम का ट्रेंड अगली सुबह हम उठ देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो रिसेंट फिनोमेना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एमर्ज हुआ है वो ये हुआ है कि कम्युनिकेशन चैनल जो हैं वो वो के हाथ से निकल गए हैं विच इज़ अनप्रेसिडेंटड पहले कभी ऐसा नहीं हुआ इवन भुट्टो साहब के दौर में या बड़े बड़े सियासी लीडरान भी आए उनके दौर में सोशल मीडिया नहीं था एक अखबार था वो जिया साहब ने वैसे काला कर देना होता था फ़्रंट पेज ठीक है पीटीवी था वो वैसे उनके कंट्रोल में था फिर सत्र चैनल आए ये सारे मुशरफ साहब के आने के बाद से उसमें भी व्हाट्सएप पे चलने लगे वो एक टिकर भेज दिया सब ने एक चलाना शुरू कर दिया उस पर कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता क्या बात होगी उस पर तो अब आकर इमरान खान साहब की मैं समझता हूँ कि एक वाद जो नई चीज़ उन्होंने जो क्रिएट की है वो यही है कि नरेटिव का कंट्रोल इस्टेबलिशमेंट के हाथ से छीन लिया है और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि जिस जिस नारेटिव को इस्टबलिशमेंट सत्तर साल से तश्कील देती आई है वो खान साहब ने उनसे छीन के अपनी जोली में रख ली है और इसीलिए ये सारे जर्नलिस्ट ने भी कहा कि ठीक है हमारा केबला चेंज हो गया अब हमने कहीं और नमाज पढ़नी है तो ये चीज़ है कौन सा खान साहब ने उनसे छीन कर एक अपना नैरेटिव बनाया है इन्होंने खुद आके खान साहब की गोदी में रखा है आप जयाल्हक का जिक्र कर रहे हैं हक ने जो निसाब में सारे तब्दीलियाँ की जो एक जहन साजी की गई कि पॉलिटिशन सारे चोर होते हैं और पाकिस्तान तो एक बहुत अच्छा मुल्क है इसको बचाने का तरीका है इस्लामाइजेशन कर दें पहला पाकिस्तानी सात में आया था मोहम्मद बिन कासम जुल्फ़िकार भुट्टो की गवर्नमेंट गिराने के लिए जो निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट चलाई गई थी उसको रिब्रांड करके रियात मदीना मूवमेंट कर दी लिटरली जो लव्ज आ रहे थे हामिद हमीद गुल की मैंने एक स्पीच सुनी वर्ड बाय वर्ड यू कैन कॉपी पेज दैट और एक 20 साल पुरानी स्पीच थी 90s की स्पीच थी आई परफेक्टली अंडरस्टैंड क्योंकि ये सारा नैरेटिव था जो, जो सारी मेहनत की थी कि यार ये हमने बिल्डिंग बनाई है या 70 साल की उसके पेंट हाउस की आपने चाबी दी थी इमरान खान को अब आप इमरान खान हमारे ऊपर है भाई आपने बोला ये ना कि ये पूरी बिल्डिंग इमरान खान है, ये बंद है। इसकी ना आएगी उसके तो बड़े बड़े ना आपने इमरान खान ड्रेप करती है कि ये yeah. सिम्बल है hmm. अंदर उन्होंने बुलाम करते रहेंगे लेकिन शादा डिफरेंस ये अगर ये इस टावर के ऊपर इमरान खान लिख दिया तो पास्ट में ऐसा था कि जब इस टावर का लेबल चेंज करना है तो वो भी पावर आपके पास ही है

पावर yeah. 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 मेंवाज yeah. शरीफ, mm. शरीफ. Yeah. शरीफ को पावर में लेकर आए ठीक है उसके बाद उनको अमीर उलमोमिन बनने का शौक था मैप भी लगाई पीपी के पीछे उन्होंने बट नाइनटी सेवन में जब वो जीते है तो अपने बलबूते पे जीते ही वॉज दैट पॉपुलर टू थर्ड मिल गया था उनको

नहीं चला <laughs> yeah, so definitely. वो जो सेम पेज सेम पेज सेम पेज सेम पेज है दैट एसोसिएशन वाज नेवर विद अ प्रीवियस लीडर बट दे हैड द पावर टू काइंड ऑफ ब्रिंग द एंटायर बिल्डिंग डाउन एट एनी मोमेंट दे वुड लाइक क्योंकि नवाज शरीफ साहब को चोर डिक्लेअर कर दिया किया ना इतना अरसा लगाया उसके ऊपर बेशक वो केसेस हुए साकिब निसार ने बाद में कहा कि मैंने आधा सादिक और अमीन कहा था इमरान खान को पूरा नहीं कहा था तो ये भी पहली दफा सुन लिया तो बोला कि तीन नुकात पे कहा था हाँ, तीन मैंने तीन नुकात पे कहा आई गेस इज फेयर बाकी चीजों का तो मुझे नहीं पता उन्होंने ये कहा कोई 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 जज ये नहीं बोल सकता ये जिंदगी भर के लिए सादिक इम्पॉसिबल राइट वो सोल्ड टू दीपल या क्योंकि वो ये है ही इस तरह का ये

दे आर एप्स क्रुक्स और इनका अब पाकिस्तान में कोई काम नहीं होना चाहिए इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं इनके बच्चे बाहर हैं और इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ पैसे लूट के बाहर भेजने की एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है और ये किसी हद तक अवाम में मकबूल करने में वो कामयाब हो गए अब इमरान खान साहब को जब प्रोजेक्ट को अनरोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको रोल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं अब वो हो इसलिए नहीं रहा कि कम्युनिकेशन चैनल्स तो जो है ना वो उतने जितने पहले हुआ करते थे माजी में उनके पास वो नहीं है तो अब ख़ान साहब जो हैं वो मैं ये समझता हूँ कि ना ये ऑन ग्राउंड वॉर है ना ये जमान पार की जंग है ना ये कोई प्रैक्टिकल पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की जंग है ना ये असूलों की जंग है ये सिर्फ ये है कि एक नरेटिव की वॉर चल रही है सोशल मीडिया पर और जगहों पर जिसमें वो आके किसी दिन उठ के कहते हैं मोहसिन नकवी ने मेरी गवर्नमेंट गिराई अगले दिन उठ के कहते हैं नहीं 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 वो बाहर बैठा हुआ जो यूएस एस एम्बेसडर था उसने किया था फिर वो अगले दिन कहते हैं बाजवा साहब ने किया था फिर वो कहते हैं नहीं बाजवा साहब ने कहा था यूएस को इन्होंने मेरी शिकायत भी लगाई हाँ उन्होंने शिकायत लगाई बाद में हुसैन अकानी भी बीच में एक स्टॉप आ गया कि वहाँ रुके थे पहले फिर उन्होंने शिकायत लगाई फिर मुझे निकाला तो ये है कि वट एवर ही इज सेंग इज बिलीव्ड बाई मैनी पीपल और उसमें मैंने तो मैडनेस देखी है सड़कों के ऊपर होते हुए लाहौर में अभी बिकॉज आई वॉज देयर जब ये सारा शुरू हुआ था तो उसमें मैं समझता हूँ ये भी ज्यादा की है कुछ लोगों ने यह क्या करके ये बर्गर हैं सारे और ये लड़ नहीं सकते कैन लिटरली डाई फॉर द मैन मैं नहीं समझता इस बात को कि ये मर नहीं सकते दे कैन डाई बिकॉज इट हैज़ बीन हैपनिंग इन द इन द दर हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन काइंड के होता रहा है नॉर्थ कोरिया में रहा देख रहा लें जो जिले शाह जैसे शरीफ लोग अच्छे लोग Uh, जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है जिनकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है ऑफ ऑफ कोर्स कोर्स पीपल लाइक दैट कैन डाई वो जो एक आदमी था जो अपने बच्चे को कंटेनर से फेंक रहा था कि मैं इसको भी फेंक दूंगा अगर इमरान खान आएगा ah. इन लोगों की फीलिंग्स एक्सप्लोयर की गई हैं ना इन इन पर बट इसमें ये Shadad, भी आस्क यू यू द क्वेश्चन दैट इफ टोटली बिलीव बट दीज आर नॉट दी ओनली पीपल इफ आई मे जस्ट इसमें बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लाए भी गए हैं

नबील कबूल कर सकता ही है ये कि हज़ार बंदे अपने डंडा लेके खड़ा कर दे अगर उसको अरेस्ट करने जाओ बिल्कुल है। मैं ये बात मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हम ये इस बात से लिंक करते हैं ना कि परफॉर्मेंस का कोई ताल्लुक है कि लोगों को पता है कि इसने ऐसा डिलीवर किया कि इसके लिए हम जान दे, दे देंगे उसका ताल्लुक नहीं, नहीं है।, है मतलब ये एक इमोशनल मूवमेंट होती है उसमें हम तो ये भी देख चुके हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर देखा हमने जर्मनी में देखा और जगहों पर देखा जहाँ पे जो अप्रेसर जिन्होंने जेनोसाइड किए हुए हैं उनके मरने पर लोग पागलों की तरह रो रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं ठीक है और वो इसीलिए होता है कि यू हैव लॉस योर माइंड यू हैव जस्ट हैंडेडेड टू एल्स तो अगर मैं अपने आप को देखूँ और मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढ लूँ जिसके पास तमाम सोलूशन हैं आई टोटली बिलीव दैट दैट ही कैन चेंज एवरी थिंग अबाउट माई लाइफ एंड द कंट्री एज वेल सो आई वुड बी डूइंग द सेम थिंग एज वेल मैं भी चला जाऊँगा सड़क पर क्योंकि अब मसला ये है कि मैं उस लेवल पर पैरन होया पर इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे पता है कि ऐसा कोई है ही नहीं ये सब जो है वो जिस तरह का होक्स है लेकिन

मेरा ख्याल है कि कम ही ऐसा हुआ है कि उनको उठा के डाल दिया जेल के पीछे जो कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि ये भी जा सकते हैं जो लॉन्गर रन में हार्म भी करेगा इंस्टीट्यूशन को लेकिन उसके बावजूद किया उन्होंने तो कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि यार गई लॉयल्टी भाड़ में इंस्टीट्यूशन के साथ भी सब कुछ गया खान के साथ नहीं होना चाहिए कुछ लोगों की नौकरियाँ साफियों की चली गई वो फिर भी लगे हुए हैं तो इसमें कोई हक सच की बातें ये सारी जो होती हैं वो नहीं है लेकिन ये जो एक एक इतना जेस्ट क्रिएट हो जाता है इंसान के दिमाग के अंदर इट्स प्योरली साइकोलॉजिकल ये इट वर्क्स लाइक अ रिलीजियस कल्ट और उसमें ये होता है कि जो आपकी डिवोशन है दैट इज़ एवरी इट गिवस यू अ स्परिचुल सॉलस जब मैं सड़क पे आके गाड़ी तोड़ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ मुझे एक सुकून मिल रहा है अंदर से बिकॉज फाइनली आई हैव द पावर टू डू समथिंग आई एम टोटली पावरलेस मेरे पास कुछ बदलने का इख्तियार नहीं है एक पार्टी ऐसी है जो कह रही है कि मेरे घर के बाहर आकर मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें कॉल भी दूंगा आधी रात को बुला भी लूंगा जमान पार पहुँचो ठीक है बॉस कह रहे हैं सब जमान पार पहुँचे रात को दो बजे तो उसमें यह है कि इट इज़ गिविंग अ सर्टन पावर टू दोज़ पीपल हु आर टोटली मीनिंगलेस

एंड देन सडनली आप एक वीडियो बना कर डालते हैं इंटरनेट पर पाँच हजार लाइक्स आ जाते हैं छः हजार लाइक्स आ जाते हैं लोग बोलना शुरू जाते हैं तुम तो एक रेवोल्यूशनरी हो भगत सिंह हो एकदम पागल नहीं हो जाओगे आप एंड देन यू विल मिल्क दैट वो एक अठारह साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करना कि बेटा ये आपका जिंदगी भर के लिए जहन बर्बाद कर देगा ये जो हरकत आप कर रहे हैं And this is the phenomenon that I see in a lot of overseas Pakistanis, yeah. unfortunately. That basi basically, yeah. Man, man, saying we're Imran Khan supporters yeah. in their own minds and in their peers gives them a lot more respect. Trump Yeah. yeah. Exactly. These little things matter to them. Exactly. I, I mean, their politics is all about image or mm -hmm. projection of the image of a great man. So, is मतलब वो जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी आपके मिसाल दी थी इट स्टेज रेलिवेंट वो है ना वाली कि वो ये कहती है कि इस तरह की जो अथॉरिटेरियन मूवमेंट्स होती हैं ये अपने पास से कुछ नहीं करती दे गिव यू अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक योर हार्ट आउट अगर आपको 20-30 साल से कुछ महसूस हो रहा है कि इस्टैब्लिशमेंट ने इतना अरसा लगाया है प्रॉपागेंडा करने में तो उसको बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म का नाम है पी टी आई ना पी टी आई इट सेल्फ डन एनी थिंग इट हैज़ जस्ट प्रोवाइडेड यू अ प्लेटफॉर्म टू से वट दबलिशमेंट एज टोल्ड यू टू से इन द लास्ट थ्री डेकेट्स तो उनकी सिर्फ सक्सेस ये है कि वो खींच के ले गए हैं उसको और उन्होंने कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आके जिसको मर्जी गाली दो बहुत से लोग दे भी रहे हैं खवतिन दे रही हैं जो मैंने देखा है ट्विटर के ऊपर और वो दूसरी खुवान को अजमा बुखारी के खिलाफ एक वीडियो मैंने देखी जो कि सोच भी नहीं सकते आप इस तरह की माँ बहन की गालियाँ दी गई हैं उसमें एक खातून की तरफ से तो ये सब बड़ा ईजी हो गया क्योंकि लीडर के मुँह से भी वही बात निकलती है और वो कहते हैं ना द फिश रॉट्स आम द टॉप तो वो जो कंटेनर पे खड़ा होकर बोलता है वो सबको लाइसेंस मिल जाता है कि वो भी तो ये कह रहा है अगर वो किसी को नानी कह सकता है या कह सकता है कि सफ़दर का नाम कम लेती हो मेरा ज़्यादा लेती हो तो तुम्हारा घर ना ख़राब हो जाए ये भी कह सकता है ठीक है तो देन यू हैव लाइसेंस टू डू एनी बिकॉज बेंच तो वो सेट करेगा ना तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि इसमें ये इट्स ऑल अबाउट इमोशंस एंड यू नो इट्स प्योरली साइकोलॉजिकल आपको एक फीलिंग ऑफ इम्पॉटेंस मिलती है इस ग्रुप में आके मैं बहुत से साफियों को जानता हूँ अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं ले सकता जो कि इनिशियली वर वेरी स्केप्टिक ऑफ इमरान खान लेकिन उन्होंने देखा कि यार एकदम से मैं अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ इसके हक में तो यार वही जो बात जो आपने की है तो फीडबैक डबल हो जाता है एक बड़े पॉपुलर मॉडल भी हैं मीडिया में भी रह चुके हैं तो ही यूज़ टू लव वट एवर आई यूज़ टू पोस्ट और एकदम से मैंने सुबह उठ के देखा इस प्रॉपर्टी आए ठीक है तो मुझे समझ नहीं आई क्या सीन है तो फिर वो किसी गैदरिंग में मिले उसने कहा यार चल ये रहा है भाई मैंने भी तो मतलब कुछ ट्रेंड में आना है ना मैंने भी तो फॉलोअर्स बढ़ाने हैं इस तरह एक बड़े पॉपुलर यूट्यूबर हैं मिलियंस छाप रहे हैं आजकल पी के साथ वर्कर टाइप यूट्यूबर हैं उनके तो उनसे मैं कोई आठ नौ साल से उनको जानता हूँ मीडिया के थ्रू ही तो एक दफ़ा उन्होंने एक वीडियो भी बना दी बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सनस पर और उसके बाद में वो डर गए बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा यार अब क्या होगा मैं उठाया ना जाऊँ तो मुझे कॉल किया आधी रात को और कहा यार ये मैंने ये कर दिया क्या करूँ मैं कहा इजी हो जो क्या हुआ है अगर कोई रैशनल बात की है कोई एविडेंस वाली बात की किसी को गाली नहीं दी तो यू यू नो यूल सी कुछ नहीं होता है तो ऑल ओवर सडन एक दो साल बाद उनका भी वो सारी राइट्स रुट्स पीछे रह गए और अचानक से वो बिल्कुल ये नरेटिव बोलना शुरू हो गए उनके फॉलोवर्स जो है ना फोर टाइम्स ग्रो कर गए और मुझे फ़ोन पे कह रहे हैं कि यार सात लाख आठ लाख महीने का आता बुरा लगता तुझे क्या मैंने कहा नहीं यार मतलब कहाँ से आ रहा है तो उसने कहा ये करना भाई ये चल रहा है तू तो पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है अपने जाके लिस्ट निकाल ले जो लोग उनका नैरेटिव बोल रहे हैं और जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं और कंपेयर कर ले कि कितने सब्सक्राइबर्स उनके हैं और कितने इनके हैं तो भाई अकल को हाथ मारो कोई मीडिया में काम करना ये नहीं चलेगा मैंने कहा ठीक है गुड लक यार

बिल्कुल वो आप देखें ना एक वो स्पायरल ऑफ साइलेंस भी होता है ना जो कम्युनिकेशन में पढ़ाते हैं कि अगर मेरे कमरे में आठ लोग बैठे हुए कह रहे हैं कि ही इज़ अ ग्रेट मैन मैं मेरे पास वो है ही नहीं यू you नो know, मैं मैं कैसे खड़ा हो जाऊंगा उन सबके सामने सो सोल गिव गिव माय सेल्फ इन कि जो कह रहे हैं ठीक है अग्री करो बच जाओ इनसे तो वो कन्फ्रेंटेशन इतनी हर कोई नहीं कर सकता इतना डिसग्रीएबल हर कोई नहीं होता जो लोगों से डिसग्री कर सके उसकी पावर भी हो उसके अंदर और ये एक टोटल सेलिब्रिटी कल्चर है अभी ये जो ऑपरेशन हुआ है जमान पार्क में इसके हक में जो ट्वीट्स आई हैं उसमें

मेरे ख्याल से वो स्पीचेस रिपीट पे देख रहे हैं अगर 10 बार yeah. वो दिन में कर सकते हैं अह एवरीबॉडी इज वेल अवेयर ऑफ आर ओपिनियंस अबाउट पीटीआई बट जो ऑपरेशन हो रहा है या yeah. पीडीएम ने भी तो उसको फार्स बना दिया है ना आप लाइक like, नहीं पीडीएम का इतना मसल ही नहीं है कि वो ये ऑपरेशन करे आई डोंट थिंक दे आर डूइंग दिस आइदर विलिंग पार्टिसिपेंट्स राइट डोंट कम पास तो नहीं दे सकते ऑब्वियसली नहीं दे सकते आई मीन दे दे हैव टेरिबली फेल्ड उसकी yeah. वजह ये है कि अगर आपने अस्सी एफ आई आर कर दिए उसमें से किसी एक में भी इतना दम नहीं है कि बंदा सलाखों के पीछे चला जाए तो आपने मजाक किया है कानून के साथ अगर मेरे आपके खिलाफ एक एफ आई आर हो तो वो इतनी तगड़ी होती है कि दस साल जान नहीं छूटती उसकी कितने लोगों ने यह फेस किया है अली वज़ीर के अगेंस्ट क्या हुआ इतने साल पड़ा रहा किस केस पे जो कि अदालतों से उड़ भी गए फिर भी अंदर रहा कोई बगैर एफ़ आई आर के इसी तरह गुलाल इसमाइल की फैमिली कितना कुछ फेस करती रही है और इतने एक्टिविस्ट हैं जो अब भी फेस कर रहे हैं एक एक बहुत होती है। इन्होंने का बंदा होता ही नहीं है जब आप इस पे होते हैं, तो का होता है कि जरा इसको कोर्ट कचहरी घुमाओ तो ना तो यार या। आज तेरी रालपी में लगी हुई है और तीन बजे उसी दिन लाहौर में लगी हुई है चल बेटा कोयटा से पुलिस आ गई वो कोयटा से यहाँ पहुंचे पीछे से कोर्ट ने कह दिया वापस आ जाओ उन्होंने कहा ठीक है तो ये सीन है कि जब पकड़ना हो बंदा तो एफ नहीं चाहिए होती है तो ये सीन है कि मुझे लगता है कि कोई खास कन्फ्यूजन थी मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा है कि अगर पकड़ना होता ना आधे घंटे में पकड़ लेते राना ने भी बोला राना सना तो ने भी बोला भाई कि फिर कि क्या था, था करोड़ों रुपए क्यों जाया किए वो जो शेल मारे हैं आपने या जो ब्लॉकेड जब बैरिकेडिंग की है सारी जो डिसरप्ट किया है ट्रैफिक को पब्लिक मनी लगाई है शेखुपुरा से पुलिस आई हुई है गुजरा वाला से पुलिस आई हुई है रेंजर्स की कंपनी स्टैंड बाय के ऊपर है तो वो पैसे कौन दे रहा है मैं और आप ही दे रहे हैं ना टैक्स मनी है सारा तो वो ज़ाया करके कह रहे हैं अगर पकड़ना होता तो पकड़ लेते हम एंड वाट अ जोक राइट लाइक यू पुट ऑन टी वी एंड यूर सींग दिस एंड ठीक है यार पुलिस ब्रूटेलिटी के साथ कोई नहीं हो सकता लेकिन अगर सामने से भी पेट्रोल बॉम्ब आ रहे हैं तो वो क्या करें बिल्कुल वो कह मेरी हमदर्दी है पुलिस वालों के साथ जनरली पुलिस पाकिस्तान में बहुत घटिया हरकतें कर चुकी हैं मुझे yeah. पकड़ चुकी है इतनी दफ़ा शर्म <laughs> नहीं आती उन लोगों को बट पुलिस ब्रूटेलिटी राइट जमान hmm. पाक पर डंडे भी मारे हैं जिले शाह के केस में भी पुलिस ब्रुटेलिटी नज़र आती है हमें पोस्टमार्टम yeah. रिपोर्ट uh, में तो पुलिस को मैं डिफेंड नहीं कर रहा yeah. लेकिन दूसरी तरफ अगर वो पेट्रोल बॉम्ब मार रहे हैं और आग hmm. मार रहे हैं नहीं ये देखे हो ये, ही तो नहीं सकता क्या आप आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइवेट के अगेंस्ट पुलिस खड़ी कर देंगे बिल्कुल मैंने तो आज ट्वीट भी किया इस पर काफी लोग गुस्सा भी हो रहे हैं तो उसमें मैंने यही कहा कि इमेजिन करें कि अली वजीर या अख्तर मैंगल या फिर इवन मंजूर पश्न या इस तरह किसी के घर पे पुलिस जाती है वो आगे से पेट्रोल बम मारते हैं लाठियां मारते हैं जख्मी कर देते हैं डीएसपी को तो क्या रिएक्शन होगा स्टेट का मेरा ख्याल है हेलीकॉप्टर ही आएगा या फिर हैंगिंग्स होंगी इसके बाद यही होगा तो वो लोग जो सारे नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर वो टॉन्ट करते हैं हम लोगों को वो, वो क्या कहते हैं कि डोमिसाइल का फ़र्क है तो हम खुद साबित करते हैं कि सच अच्छा है बहुत लोग कहेंगे शहबाज गिल का डोमिसाइल भी पंजाब का था या ये था लेकिन बट वो भी किसी और तो उस... गिल के साथ वो तो नहीं हुआ जो अली वज़ीर के साथ हुआ एग्जैक्टली exactly, तो ये चीज़ है ना गिल के साथ वो तो नहीं हुआ जो अरमान लोनी के साथ हुआ था तो ये बिल्कुल आई एग्री विद यू तो उसमें यही है कि इस तरह का रिएक्शन टॉलरेट क्यों हो रहा है बिकॉज यू हैव अ सर्टन सेंस ऑफ प्रेवलेज ना कि मैं अगर ये कर भी लूँगा विद इट तो वही देखा है हमने कि बात यह है कि अगर कोर्ट ने आपके वारंट निकाले हुए हैं और पुलिस दरवाज़े पे खड़ी हुई है तो उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है इवन जरदारी साहब की मिसाल ले लीजिए जब वो आए थे वर्कर्स ने नारे मारे जियो भुटो जियो भुटो और निकल जाओ यहाँ से तो जरदारी साहब ने कहा कि भाई इसी हो जाओ मैं जा रहा हूँ खुद ही जा रहा हूँ शायद ख़ाकानाबासी गाड़ी में बैठा हुआ था पुलिस ने इंसर्कल कर लिया उनका वारंट दिखाया दिखाया उठ के चला गया ये चीज़ है कि आपने खुद मिसाल सेट करनी है तो खान साहब ने शायद रियलाइज़ कर लिया है कि यार ये

कि आपको तो पता है ये मार देंगे मुझे? आपको तो पता है मुझे तो अंदर मार देंगे जुडिशरी जो, जो है वो आपको पता है पाकिस्तान में उसकी क्या तारीख है पुलिस की क्या तारीख है और उसके बाप के पास भी बहुत पैसा है अपने घर के हजार बंदे खड़े कर दे रोज के उनको हज़ार हज़ार रुपए दे डंडे लेकर बिल्कुल अगर वो जुडिशरी से ये रिलीफ मांग रहे हैं तो जुडिशरी से ये गारंटी मांग लें कि कम अज़ कम ह्यूमन राइट्स वहाँ पर अगर इंश्योर नहीं होंगे गवर्नमेंट के सर भी पड़ेगी ना ये इस गवर्नमेंट में इतना मसल है कि वो खान साहब की तरह का बंदा अगर हवालात के अंदर खुदा ना खास्ता उसकी जान चली जाए तो ये कुछ बर्दाश्त बाद में कंट्रोल कर सकेंगे सूरत हाल को नहीं कर सकते बिल्कुल भी तो ये मैं नहीं समझता कि ये रीज़न है असल में कि उनको ख़तरा है वो रैली में जा सकते हैं मिनारे पाकिस्तान का जलसा अनाउंस कर दिया इतवार को ठीक है उससे पहले फिरोजपुर रोड पे परसों खड़े हुए थे आज भी कोर्ट पेश हुए हैं लेकिन सारा ख़तरा जो है वो उस केस में पेश होने का है जहाँ फ़र्द जोरमाइद हो सकती है जहाँ पता है कि फंस जाना है अगर चले गए तो तो इसीलिए उनको नज़र आ रहा था कि इस केस का बनेगा क्या आगे जाके तो ऑब्वियसली वो सही खेल गए और कमाल ही खेल गए तो आपको गालियाँ पड़ी हैं मुझे कल पढ़ चुकी हैं एंड ऑब्वियसली ट्विटर की तो बेस्ट थिंग है आपको मिसअंडरस्टैंड करना मैंने सब ये बोला था कि वो प्रिवलेज होती है ना आपकी हमने सब ने देखा कि एम पे रेंजर्स ने जब ऑपरेशन किया तो गोलियाँ पड़ी या टी एम पे खैर मखर मैसेजर हुआ था Yeah. बुख्ती को तो आपने बॉम्ब पूरा डेरा बुख्ती बॉम्ब कर दिया था टू 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 गेट पीपल आर यू डिफेंडिंग लोगों ने कहानियाँ अभी वायरल चल रही है अपने अपनी एम क्यू एम कहानी आई एम नॉट नॉट बट देर प्रिवेजेज एंड देर वेल राइट कि अगर आप फाटा में हैं तो फिर तो आपका कुछ भी नहीं है आप बलोचिस्तान में हैं तो शायद yeah. फाटा से ज्यादा हो बट वो जीरो पॉइंट वन परसेंट ज्यादा हो फिर आप मेन के पी में चले जाए तो शायद थोड़ा बलोचिस्तान ज्यादा हो बट फिर भी कम है पिशावर में आ जाए

और खान ने एक नैरेटिव है और एक एहसास जगाया इस्टेबलिशमेंट के बारे में बाकी मुल्क इन बातों पे इसलिए हंसते है क्योंकि उनको 10, 20, 30, 40, 50 सालों से ये चीज़ें पता हैं ये सिर्फ आपके जो एलीट बबल्स बबल्स बबल उनमें आपको ये बातें समझ में आई है जिन लोगों ने अपने घरों में दस दस लाशें उठाई हैं

उसको नहीं कह रहे और नहीं शिबली फराज सड़ गए बिल्कुल हाँ शिबली फराज साहब तो तप ही गए बुरा भला कहना शुरू हो गए थे <laughs> तुम आ, भी टाउट हो खड़े खड़े आदमी हो खड़े आदमी हो अभी यूनस बट आए थे पॉडकास्ट पे उन्होंने बोला है कि शिबली फराज ने एवोल्यूशन की थ्योरी डिसप्रूव कर दी है कि अगली जनरेशन बढ़ना तो बेहतर होती है ना डिवॉल्व कर गए अगर अहमद फराज का बेटा <laughs> शिबली फराज है सही तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैन का डिवॉल्व कर रही है बिल्कुल नहीं उसमें यह है कि जो इनका ब्रांड है एंटी स्टैब्लिशमेंट एरियनिज्म का वो ये है कि जो भी इस शख्स के साथ बुरा करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन है तो इट इज़ नॉट अ प्रिंसिपल स्टैंड ये सिर्फ एक शॉर्ट लिफ्ट सा एक एंगर है और ये सेटल डाउन कर जाता है ये बड़ा शॉर्ट लिफ्ट होता है तो उसमें यही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में नहीं ये सब कुछ कर रहे ये सिविल लिबर्टीज़ के फेवर में नहीं कर रहे ये इस्टेब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत के खिलाफ ये सब नहीं कर रहे ये सब इसलिए नहीं कर रहे कि इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में मेडल करती है मुल्क को नुकसान होता है इसलिए नहीं कर रहे इसलिए कर रहे हैं कि साजिश क्यों की है इमरान खान के खिलाफ अगर हो भी रही थी जो खान साहब ने खुद कहा अगर हो भी रही है तुम्हें पता भी है हो रही है तो रोका क्यों नहीं तुमने ज़मीर क्यों नहीं जागा तुम्हारा

he doesn't look well. He doesn't exactly. look well. He तो अगर कुछ खुलाना खास था उनको उनके आर्म्स देखें कितने से तो अगर कुछ कुछ मसला हो गया है मेडिकल मे बी इज ऑल्सो अफ्रेड की ये पता ना चल जाए हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि लेजिस्लेचर लेजिस्लेटर्स भी जो होते हैं वो अगर कोई ऐसी फेटल डिजीज हो तो दे कांट कंटिन्यू इन ऑफिस बेसिकली तो इसीलिए और भी बहुत से लोग छुपाते रहे हैं तो पता नहीं यार ये कंस्पेरसी तेरेजी हो जाएंगी कि असल वजह क्या है जेल को अवॉइड करने की बट आई डोंट थिंक ही इज़ द मैन वुड लाइक टू गो बिहड बास फॉर एनी थिंग इसी कि वो मुशरफ टाइम पर भी जब पुलिस आई थी तो छत पलान गए थे ये तो होता रहा है पहले भी ऐसे तो उनका मिजाज और है वो इस तरह का करियर पॉलिटिशन वाला मिजाज नहीं पाकिस्तानी ददारी साहब की तरह और के ग्यारह साल काट लिए बारह के हंसी जा रहे हैं या फिर ये है कि जी कोई बात नहीं फिर चले जाएंगे तो वो ये है कि वो टोटली उस सिस्टम में एंट्रेंच नहीं समझते अपने आप को वो कहते हैं कि मैं इसके बाहर रह के ना इसके खिलाफ बोल के वोट लूँगा मैं इस सियासी निज़ाम का हिस्सा नहीं हूँ तो ही डजन सी हिमसेल्फ एज अ पॉलिटिशियन उस तरह से Uh, तो इसीलिए वो ये सब भी नहीं समझते कि ये कोई मॉरल हाई ग्राउंड मिल जाता है जेल में जाने से और ये सब सो आई थिड अगर हम दो घंटे खान साहब की बुराइयाँ करते रहें लोग ही हो जाएंगे तो आई मीन लेट्स मे गेट इन टू हिस्ट्री ऑफ़ पाकिस्तान एंड आजकल हम इंडिया से भी जरा कंपेयर कर रहे हैं जहर के बाद बड़े इंडियन लोग आ गए तो गो राइट एंड रॉन्ग इवन दो राइट ना हो हम उधर भी तो religion, yeah. exactly yeah, जहां तक वो की है हमारा कहाँ पे गलत हो गया उनका कहाँ पे सही है तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमें तो क्राइसिस था पहले दिन से ना और हमारा मसला ये था कि जैसे ही पार्टीशन होता है उसके बाद में तो एक तो ट्रेजेक्टरी कोई नहीं है हर कोई कन्फ्यूज है कि किसकी किसके पास कितनी पावर है मतलब 1947 से 58 तक 11 सालों के दरमियान आठ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आते हैं जबकि आने दो चाहिए थे तो अक्सर लोग बात करते हैं कि नाइन्टीज़ की डेकेट बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब थी और उसमें बड़ी इंस्टेबिलिटी थी भाई पहले दस साल देखो वो उससे भी दस गुना गया आज कोशिश करते हैं कि सच बोलें कि उठाए जा रहे हैं तो अगर उठाए जाएंगे तो सच ही बोलें क्या ये सच है कि जो हमारी रूलिंग लीड थी दे वर ऑफ वेल देव आरिया एंड इनिशियली देवर पेट्रीफाट ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान बेसिकली क्योंकि उनको सिर्फ ये था कि कहीं उधर से अगर कोई रूल शुरू हो गया ना पूरे सिस्टम का तो काम ख़राब हो जाएगा तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐब के टाइम पे ये थिंकिंग प्रिवेल की वन यूनिट वाली उससे बहुत पहले थी तो बात यह है कि आते साथ सबसे पहले पाँच बिलियन डॉलर का लोन जिसने मांगा अमरीका से वो जना साहब ने ख़ुद मांगा कि हमें चाहिए और वो उसके बाद में लियाकत साहब ने एक फेक इनविटेशन बनाया कि हमें रशिया बुला रहा है ईरानियन एम्बसीज में कह कर और उनको दिखाया कि ये देखो हमें नहीं बुलाओगे तो वहाँ जा रहे हैं उन्होंने कहा ठीक है सर आप आ जाए तो उसके हुसायना, बाद हुसैन की किताब पढ़ी है हाँ जी पढ़ी उसमें उन्होंने इस ट्रिप के बारे में कुछ अच्छा चीज़ें भी बताई हैं पर्सनल फ्रंट पे भी शुजा नवाज साहब की बुक भी इस पर बड़ी अच्छी है तो ये खैर उसके बाद में जी ये होता है कि असल में अमेरिकन के साथ शुरू से जो बंदा जो बड़ा फिट डील कर रहा था उसका नाम अयूब खान था और उससे पहले तो खैर जनरल इफ्तार खान वॉज अबाउट टू बिकम दर्मी चीफ जो कि फ़्रैंक मसहबी पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ थे बट डगलस ग्रेसी आया तो तीसरे वो बनने जा रहे थे लेकिन एस्टोनिशिंगली एकदम से कराची के पास उनका तैयारा गिरता है और वो डेथ हो जाती है उनकी तो उसके बाद में अयूब खान साहब का ज़रा सितारा चमक उठता है तो खैर उसमें जी में जो पहली मीटिंग होती है अमेरिकन एड को लेकर के उसको कैसे डील करना है क्या चीज़ें कंटेस्ट करनी है क्या चीज़ें बारगेनिंग पे लेकर आनी है तो उसको वो मीटिंग को अयूब साहब चेयर कर रहे होते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि यार ये अब आर्मी चीफ़ कैसे हालांकि आर्मी चीफ भी नहीं थे उस तरह से वो तो ये कैसे कर सकते हैं तो बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया लेकिन जवाब ये मिला कि यार ही नोज़ दी अमेरिकन ब्रेन बेसिकली सो लेट एम डू इट और उसके बाद में आप देख लीजिए तो ये एक तो प्रिंसली स्टेट्स को जिस तरह से ट्रीट किया हमने वो इंडिया में बिल्कुल डिफरेंट हुआ हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट हुआ उन्होंने वहाँ पर जो है वो उनको किसी ना किसी तरह सिस्टम में ले आए हमने तो वही पैटर्नज शुरू कर दिया पैसे देना शुरू कर दिए जिसको प्रीवी पर्स कहते थे तो उसके थ्रू हमने पैसे बांटे और बलोचिस्तान में भी आप देख लीजिए कि वहाँ पर भी जो कल्लास स्टेट थी उसके साथ यही हुआ कि पहले तो हमने आसपास तो इन सर्कल कर लिया उसको क्योंकि कोयटा भी उसमें नहीं था उस टाइम पे और एक दो और चीज़ें भी नहीं थी तो ये सारा देखते हुए एक तो ये बड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट था पाकिस्तान का इसको आप एनेक्स करना कहेंगे यार एनेक्स करना मतलब एक एक पॉइंट पर तो था क्योंकि जब वो उन्होंने झंडा उतार दिया था तो उसके बाद में फोर्सेस भेजनी भी पड़ गई थी लेकिन बेसिकली जो बलोचिस्तान असम्बली थी वहाँ पर करारदाद आ चुकी थी कि पाक, पाकिस्तान के साथ जो है वो हम नहीं जा सकते एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं गजेंजो बक, की जो स्पीच है वो सुन लीजिए आप बेशक बलोचिस्तान असम्बली की तो वो बड़ी क्लियर है इस मामले को लेकर के हमारी एक इंडिपेंडेंट जो है वो एक शनाख्त है लेकिन मसला ये हुआ था कि जो लैंडस पाकिस्तान की तरफ से जो खैर वो ब्रिटेन ने जो पहले लीजिंग पर ले ली थी आ, वो प्ले ग्राउंड था असल क्योंकि वो कल्लास्टेट के आस जो जगह थी वह अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिल गई थी उसके बाद तो उसमें दे सक्सेसफुली आरकस्टेट यू नो देट डिसल्टी टू वर्ड द्लाद स्टेट और उसकी वजह से फिर ये हुआ कि हमने देखा कि वो जो पार्लियामेंट वाला सीन था वो ऑफ हो गया कि जो उनकी लोगों की जो आवाज़ थी वो तो दब गई ना वो नहीं थी इस तरह की तो खैर वो चलते हुए आगे एक्सेशन डॉक्यूमेंट भी मिल गया खान कल्लात का और उसके बाद से जो होता रहा वो तो एक तारीख़ है कि अभी तक वो 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 मार्जनलाइज नहीं है उस तरह से वो नई सिस्टम का पार्ट बन सके गिलगित में भी अभी लास्ट ईयर आज होता रहा है शदीद सर्दी में लोग बैठे रहे हैं बाहर के वो जी खालसा सरकार लॉज हैं उसको अबॉलिश करें और वो सारा कुछ तो वो भी नहीं उनको वो सब मिला तो एक तो पेरेफरीज का ट्रीटमेंट बड़ा मुख्तलफ़ रहा और हिंदुस्तान में यह था कि वह उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंस बना लिए उन्होंने उनसे कहा कि इलेक्शन लड़ो भाई अब अब ये छोड़ दो कि पैसे मिलेंगे और ये सारा कुछ होगा तो एक तो वो मोनार किया बॉलिश होना शुरू होगी सरदारी नज़ाम यहाँ पर बड़े लोग तनकीद करते हैं कि बलोचिस्तान इसलिए सफ़र कर रहा है कि वहाँ पर सरदारी निज़ाम है तो उसको एम्पावर किसने किया अगर तारीख़ पढ़ेंगे तो समझ आएगी कि उनको पैसे भी दिए गए थे उस टाइम के ऊपर और उन्हें कहा गया था कि यही सिस्टम मेनटेन करना चाहिए और इसके बाद में वो नॉमिनेट करते थे अपने लेजिसलेटर्स को को कि ये ये कल लेजिसलेटर बन जाएगा इलेक्शन से होता ही नहीं था वो वो टू बी फेयर इन पावर अगर आप yeah. को इस बात पे तनकीद की जाती है लेकिन hmm. पूरे पाकिस्तान में जो सारे हुक्मरान थे वो hmm. का इस exactly. सारे, exactly. वो के तो हीरो गद्दार समझते थे मतलब yeah. जो लोकल लोग हैं या लीडर्स हैं वो तो गद्दार उनको किया जाता था इवन hmm. जो अमीर ताजर लोग थे yeah. उनको पाकिस्तान पाकिस्तान बुलाया गया सो दैट दैट ऑफ आई मीन नॉट चले आप लोग आर्ग्यू करते रहे इस्लामिक था या सेक्युलर था बट hmm. ये कोई नहीं आर्ग्यू कर सकता था पाकिस्तान पड़ा हुआ है यूट्यूब पे आप देख सकते जिसमें वो कहते हैं हमने इसलिए ज़्यादा जान नहीं लगाई कि हमें पता था कि वहाँ तो लैंड रिफ़ॉर्म हो नहीं सकता तो अब वो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शल uh, सा आर्ग्यूमेंट है उनका लेकिन बस क्या आर्ग्यूमेंट है उनका उनका ये है कि असल में इन टेरिटरीज़ को हमने इसलिए नहीं छेड़ा कि जो मुस्लिम लीग की सारी लीडरशिप है दे वुड हैव बीन द फर्स्ट रोड ब्लॉक यू नो इन टर्म्स ऑफ डूइंग द द लैंड रिफॉर्म बेसिकली बिकॉज दे रियली कन्विंस्ड टू डू इट तो दैट्स वाई वो जो अब्दुल कलाम आज़ाद का भी थीसिस सजा इस पर वो यही है कि सरदार पटेल ने तो कह दिया कि बस ठीक है जा रहे हैं तो जाने दो तो इस पर इतनी जान नहीं लगाई उन्होंने और जान तो लगाई उन्होंने दे पाकिस्तान क्रिएटेड एग्जैक्टली उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन गांधी साहब का बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन था मुझे नहीं लगता कि सरदार पटेल का भी वही होगा जो गांधी का था इस पर बिकॉज ही वो तो लिटरली ही वॉज मॉर्निंग पाकिस्तान के बनने पे और जान भी उनकी इसीलिए गई

कन्विंस किया है पाकिस्तान ने कोई आठ दस साल लगा के अमेरिकन को कि वी आर सेंट्रल टू दिस वॉर अगेंस्ट रशिया तो अमेरिकन ने कहा कि भाई कैसे सेंट्रल तुम तो उधर बैठे हुए हो तो इन्होंने ये कहा कि नहीं मिडल ईस्ट का डिफेंस हम करेंगे मिडल ईस्ट में जहाँ भी कोई मसला होगा ना उसमें हमारी जो आर्मीज हैं दे आर रेडी टू वॉल्टियर इसके अलावा आपके जो भी इंटरनेशनल वॉर्स हैं उसमें भी वी कैन यू नो बिकम अरटियर स्टेट आपको पता ये जो कोरियन वॉर हुई थी फिफ्टीज़ की पाकिस्तान वो उस टाइम पे पाकिस्तान ने अपनी पहली मरतबा आर्मी को प्रेजेंट किया था कि आप ले जाएं और पैसे दे दें दे उसके बदले वहाँ पे और वो हुआ है उसमें पाकिस्तान ने एक सर्टन जो है वो एक नंबर ऑफ़ सोल्जर्स भेजे वहाँ पर पैसे भी कमाए उससे तो ये काम एज़ अर्ली एज फिफ्टीज़ में But शुरू हो, हो point चुका है शुरू के आपको थ्रेट है वो वाकई है यानी इस पर नहीं पड़ते बट है तो ना कि यार इंडिया हम पे अटैक कर देगा yeah. पाकिस्तान को अंडू कर देगा आपके पास रिसोर्स बहुत कम हैं आप एम्पायर की पेरीफ्रीज़ पे थे yeah. साथ आपके अफगानिस्तान है क्लेम yeah. और एटलीस्ट ट्राइंग टू मेक अ क्लेम आप अमेरिकन एड रिलायंट ही मुल्क चला सकते हैं यार मैं इससे इतना घरी नहीं करता उसकी वजह यह है कि जो थ्रेड था वो इर एक कह सकते हैं इस लिहाज से कि वो पैरा नोया था ज़्यादा क्योंकि अगर आप ये चार जंगों की तारीख निकालें तो इनिशिएट तो वहाँ से एक भी नहीं हुई अगर तो ऐसा एक इतना लॉजिकल थ्रेट मौजूद है तो पहले दिन से वो यहाँ मुजाहिदीन घुसाते लेकिन घुसए तो हमने थे ठीक है हमने कहा था कि ये ले लो जूनागढ़ के बदले आपने कश्मीर वाला केस ख़राब कर लिया ठीक है उसका जो नवाब था जूनागढ़ का क्योंकि वह मुसलमान था तो उसने वो पॉपुलेशन के हक़ में जो फैसला किया उसको सपोर्ट कर दिया हरी सिंह का फैसला गलत लग गया आपको तो आपने खुद ही अपना केस वहाँ पे पहला ख़राब किया और उस टाइम तो उनका कोई ख़ास ग्रिप भी नहीं थी कश्मीर के ऊपर ना वो इतने हेलबेंड थे कि हमने इसको कंटेस्ट ही करना है लेकिन आपने उस पर कोई ख़ास जो है वो दिखाई भी नहीं इश्तिया अहमद साहब अपनी किताब में लिखते हैं ये बात कि इतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई कश्मीर पे उस उस टाइम के ऊपर तो खैर वो आई थिंक सेंडिंग ट्राइब्स पीपल एग्जैक्टली रॉन्ग डिसीजन इट वॉज डिप्लोमेटिकली डील करते नगोशिएट कर जाते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे ले जाते इस पर क्रॉस वॉड जो बुक है शुजानवास, शुजानवास की उसमें वो बहुत बहु ज़बरदस्त इसको एक्सप्लेन करते हैं और वो यही कहते हैं कि वो रॉड का आगाज था कि जब मिलिट्री लीडरशिप ने देखा कि ये तो फ़ारग मतलब इन्होंने ये फ़ैसला लिया है और वो इतना अजीब तरीके से इन्होंने इनफोर्स किया उसको मिलिट्री पाकिस्तान की 1947 में जब उनको मिली थी उस स्टेज पे टोटली ये पॉलिटिकल थी दे हैड नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स उनको पता भी नहीं था चल क्या रहा है इवन के स्टाफ कॉलेज कोयटा का एक वाक़ा भी वो कोट करते हैं जिसमें एक ब्रिगेडियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस टाइम पे जब ब्रेकअप सेरेमनीज़ हो रही थी आ, हर मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में उस टाइम पे क्योंकि मिलिट्री डिवाइड होने जा रही थी तो देवर हैविंग देर लास्ट ड्रिंक्स टुगेदर के बस इसके बाद तो अलग अलग मुल्कों में वो चले जाएंगे तो That brigadier दैट ब्रिगेडियर कम्ज अप टू हिज सीनियर एंड ई सी दैट वी शुडन भी सेलब्रेटिंग टूडे वी वीन अ ग्रेट कंट्री अगर हम rehte रहते sari सारी जिंदगी एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और उसका नाम था khan खान और कल को ja ke सदर बना और उसी की सदारत में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए तो they could see it coming they were not happy कि ye military divide होने जा रही है तो उनका कोई खास इसमें स्टेक भी नहीं था इस सारी मूवमेंट से वो बिल्कुल बाहर बैठ के देख रहे थे कि क्या हो रहा है इवन मैस के अंदर उस टाइम के ऊपर पॉलिटिक्स डिस्कस करना बैंड था तो वो बिल्कुल डिफरेंट एथिक था मिलिट्री का जो कि आजकल आप देखते हैं क्योंकि वो बाद में पॉलिटिकल सेल बन गया और okay, वो बड़े not have it, लेकिन वो क्या, तीन तीन चार साल में चीज़ें बदल चुकी थी सारी बिकॉज देन well, ये अमेरिका वाली जो चीज़ थी ना उसने बॉल गेम बिल्कुल मुख्तलिफ कर दी उसकी वजह यह है कि उस टाइम पे निगजन पावर में नहीं था लेकिन वो कह रहा था कि ही इज इज़ द राइट का वेरी मैग्निफिसेंट और जिस तरह प्रेजेंट करता है अपने आप को हैंडसम भी है ऊंचा लंबा भी है वही वाली बात तो बात भी उसको करनी आती है अंग्रेज़ी भी बोलता है हाथ में पर्ची भी नहीं होती उसके तो वो इमेज बेच गया वो अपना तो उसमें ये है कि जनरल ग़ुला मोहम्मद जो कि बने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल एक तो पहले ये प्रेसिडेंट इतना हॉरेबल है गवर्नर जनरल बनना बहुत ज़्यादा क्योंकि वो उस टाइम का आर्मी चीफ था यार मतलब वो जिसकी असम्बली चाहिए वो तोड़ दी बोगरा को दो महीने में निकाल दिया ठीक है।, है कभी फ़िरोज़ खान नून आ रहा है कभी सोहर आ रहा है और जिसका दिल जिसको कर रहा है वो शफल करी जा रहा है उसको किसी की डेथ हो गई तो एक जो है ना वो गवर्नर जनरल बन गया दूसरे का तो सदर बन जा कोई सदर बन गया सिकंदर मिर्ज़ा सिविलियन भी है और उसका आर्मी में भी रैंक बढ़ता जा रहा है मतलब इज़ हाफ सिविलियन हाफ फौजी ऐसा ऐसा मजाक हुआ है कि आप पहले दस साल पढ़े हैं और आप कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है ना रात को फिर हम सोते हैं तो कोई और जाग रहा होता है वही चीज़ <laughs> तो वो वो कर रहा था सिकंदर मिर्जा तो खैर वो रात में फौज में दिन में मौज में तो ये चीज हुई और उसमें ये था कि ये सारी डेकेड जो गुजरी उसमें इतनी जल्दी से डायनिक्स चेंज हुए ना कि मतलब गुलाम मोहम्मद तो कह चुका था यू के, के भाई आजा ले, ले ले सारा कुछ उसने कहा नहीं अभी नहीं मुझे चाहिए तो फिर तीन चार साल बाद वो यूके बैठे हुए थे वहाँ जाके उसने पहली बार अनाउंस किया कि नहीं मेरा अब इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है जॉब अच्छी है तो फिफ्टी <laughs> एट में मार्शल लाह लगा दिया और फिफ्टी थ्री में ही लाहौर मार्शल लाह जब लगा <laughs> था उससे एक ट्रिजक्ट्री सेट हो गई थी कि हमसे नहीं हो रहा जहाँ भी क्योस आएगा यही आएंगे और वो हुआ कि आज़म खान नाम के एक जर्नल थे वो लाहौर में जब मार्शाला लगा तो वो आए और उन्होंने हर चीज़ कंट्रोल की और बड़े पॉपुलर बन गए और वो पहला टाइम था जब पाकिस्तानी अवामी ने कहा कि नहीं सिर्फ ये इंस्टीट्यूशन है जो बचा सकता है पाकिस्तान को बिकॉज दे प्रूवड कि यार यहाँ पर इतना क्यों था हमने आके सब ठीक कर दिया और उसके बाद में उन्होंने वाहमदी कोश्चन को सेटल करने के लिए सारे मुलाओं को बुलाया और कहा कि मोमिन की डेफ़िनेशन बताएं उनसे एग्री ही नहीं हुई

obviously they do but bathselites वगैरह और इतने सॉरी नॉट नेक्सेलाइट्स जो अरनदुती रॉय की किताब भी है इन इन केसेस में उन्होंने यूज किया होगा किया होगा मैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी यूज नहीं हुआ होगा लेकिन obviously जो लॉ एनफोर्समेंट एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फौज मैंने समझता है इवन के जो गोल्डन टेंपल का अटैक इंदिरा गांधी के दौर में हुआ था वो पुलिस ने किया था सारा मेरा ख्याल है रिसेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो उनका मुल्क के अंदर हुआ है पुलिस कर रही थी इसके अलावा इंटेलिजेंस पुलिस चलाती है रॉ के जितने चीफ बनते हैं वो एक्स उस सिविलियन होते हैं सारे वो इसी तरह सी की आप बात देख लीजिए तो हमारे यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं था तो वो जो एक डिसप्लेंड और वो सारा इमेज बना वो ही नहीं का बना और उसके बाद में आगे चलते हुए तो ये मतलब ये वैक्यूम जो था मैंने देखा कि ये बहुत डिफरेंट था वहाँ पर बहुत जल्दी लेजिस्लेशन पे काम शुरू हुआ हमारे यहाँ पे कंस्टिट्यूंट असम्बली कोई तबाह कर दिया वो जो मुनीर रिपोर्ट है जो कि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस है वो तबाही का आगाज़ था पाकिस्तान की ना उसमें एक जज जिसका ज़मीर ज़िंदा था उसका नाम था कॉर्नीलियस जो कि क्रिस्टन था जिनको आप कहते हैं पाकिस्तान में कि ये खाक रोब की और स्वीपर की नौकरी करें ही वॉज द मैन हु वॉज़ थिंकिंग फॉर द स्टेट एट दैट पॉइंट

में प्रॉब्ली कम्पीट रूट्स ऑफ इस्लामिक टच राइट आपने जब सेपरेट yes. इलेक्ट्रेट्स मांगे yeah. कि यार हम आपसे इलेक्शन में नहीं सिर्फ कर वोट दे सकते हैं hmm. तो फिर आप इसी पे पॉलिटिक्स करोगे ना यार मुस्लिम हूँ ये मुझसे मुस्लिम है

लेकिन जैसी पावर में आते हैं तो सब के मिजाज बदल जाते हैं वो इमरान खान साहब की भी आप निकाल के दस साल की स्पीचेस सुने आपको लगता है कि भाई ये तो कोई चीख वगैरह है कोई जो कह रहा है माइनॉरिटीज़ को भी मैं बचाऊंगा बलोच मिसिंग पर्सनस की बात भी मैं करूंगा अहमदीज के साथ भी गलत होता है और जब पावर में आता है तो क्या कर रहा है तो ये चीज़ है कि आिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ कर लेते हैं कि यहाँ चलता ही ऐसे है तो कोई खड़ा ही नहीं होता उसके आगे इवन भुट्टो साहब को ऐसा कम करना पड़ा इस प्रेशर के अंडर और बड़े लोगों को करना पड़ा नवाज़ शरीफ साहब की अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ एक्सट्रीम कंजर्वेटिज़म से हुआ जया की कबर पर जाके दुआएं मांग रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं अब आकर दो हज़ार चौदह में उनकी स्टेटमेंट लिबरल पाकिस्तान बनाना है जो कि जमात इस्लामी रैली निकाल दी थी इसके बाद तो खैर हैं बड़ी अच्छी वीडियो बनाई इस्लामिक टच की हस्ट्री पर हमें दे दें <laughs> एक <सम्री> ब्रीफ़ ओवरव्यू <laughs> बस उसमें वो ऑब्जेक्टिव रेजोलूशन से शुरू हुआ था मैं। वैसे तो उससे पहले की रूट्स हैं फोटी सिक्स के एलेक्शन में भी कुछ कमिटमेंट्स रिलीजियस ग्रुप्स के साथ ऐसी हुई थी कि जी आपकी जो आपका नजरिया ना वो वाला इस्लाम आएगा इस पाकिस्तान में और बाद में इसीलिए कोई खास जवाब ही नहीं मिला कि किस किस्म का आएगा ताकि बाकी नाराज ना हो जाएँ तो खैर बढ़ते बढ़ते आगे फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना फिफ्टी सिक्स वाला तो उसके अंदर भी जो है ना वो इस्लामिक रिपब्लिक नाम पहली दफ़ा रखा तो नौ साल पहले काफिर रहे फिर सिक्सटी टू वाला बना तो उसमें पहले रिपब्लिक रख दिया नाम पहले तो फिर बुटो साहब ने भी एडवाइस किया कि इस्लामिक लगाओ पीछे नहीं चलेगा काम ऐसे तो एक एक आध महीना फिर काफिर हुए फिर लगा दिया इस्लामिक उसके बाद से तो उसके बाद में फिर भुटो साहब ने भी जब सोशलिज़म की तहरीक का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे भी इस्लामिक होना चाहिए तो इस्लामिक सोशलिज़म तो एक थोड़ा सा उसको भी रीब्रांड किया फिर आगे चलते चलते वो शराब वाला करना पड़ा मामला उनको और जुमे की छुट्टी है वो सारा कुछ तो मूविंग ऑन तो जया साहब आ गए तो फिर वो तो हर जगह ही टच शुरू हो गया ना वो तो फिर क्लियर है सबको उसके बाद क्या होता रहा फिर नवाज़ शरीफ साहब अपने आप को अमीरमिन कहने की कोशिश करते रहे और अल्लाह ज़िया को करवट करवट जन्नत नसीब करे अंग्रेज़ों के खुद न लाने वाली बेनज़ीर ये हमारे खिलाफ़ कैसे खड़ी होगी ये कह दिया जाके और उस बेस पे पॉलिटिक्स करते रहे मतलब आई जी आई बनाई और वो सारा कुछ किया और उन्होंने क्या फ़ेस किया अभी रिसेंटली कि टी एल पी ने उन पर बलासमी के फतवे लगाए तो जिस जिसने भी इस चीज़ को हाथ लगाया कल कोसी से कैंसिल हुआ वो कौन सा उन्होंने सबक सीखा वही बातें कर रहे हैं बिल्कुल वही बात है जावेद हैं। लतीफ साहब की स्टेटमेंट्स देख लें कैप्टन सफदर को, को देख, को देख हाँ, लें आप यहां एस एन इकबाल वाज इन दिस चेयर या उनसे मैंने ये सवाल पूछा लोग जो है ना वो एक लेंस से देखते हैं तो दैट लाइक तो यू आर वेरी सॉफ्ट क्वेश्चंस टू पीएमएल एंड लीडर आई थिंक इट्स द हार्डेस्ट क्वेश्चन प्रोबब्ली आई हैव एवर आस्क्ड एनीबॉडी ऑन दिस पॉडकास्ट इज मैंने एस इकबाल को बोला वो जो उनकी वालिदा वाला सवाल किया हां आई सेड डू यू थिंक द बुलेट दैट वाज फायर्ड ऑन यू वाज लोडेड इनटू द गन बाय योर मदर व्हेन दे पास द ब्लास्फेमी लॉ उनकी वालिदा जी उस असेंबली का हिस्सा थी exactly. जब जब लॉ पास हुआ और उसी लॉ का गलत इस्तेमाल करते हुए उस पर एक नैरेटिव बनाते हुए एक मूवमेंट चलाते हुए एक पार्टी ने असन इकबाल के खिलाफ टारगेट करवाया जिसकी वजह से एक कोई आम से आदमी बिल्कुल ग़ुस्से में आके उन्होंने गोली चला दी बट दे नॉट लर्निंग वो तो उसको सीरियस ही नहीं ले रहे ना उसको मतलब अभी मैंने आज कोई इंटरव्यू में देखा है मंसूर अली खान जो वो पूछ रहे थे कि आपके मरीम से कि आपके हस्बैंड जो जिस तरह की पार्टीज़ को इंडोर्स करते फिरते हैं तो उन्होंने कहा कि वो उनकी ओपिनियन है तो वो गए थे मुमताज़ कादरी की वो उस पर वहाँ पर दुआ करने के लिए सारा कुछ तो वो पी एम एल एन और है आदि जो है वो प्रोग्रेसिव बनी फिरती है ख्वाजा आसिफ़ साहब बाहर जाके कहते हैं कि ये जो हाफिज़ सईद वगैरह हैं ये सारी लाइबिलटीज़ हैं हम जान छुड़ा लेंगे इससे बेफिक्र हो जाएं और आके ट्वीट क्या करते हैं जब तालिबान वहाँ पर कैप्चर करता है काबुल को कि अल्लाह का निज़ाम ये अब आया है और अब असल चीज़ है तो मतलब पैराडॉक्सिकल है लेकिन उस वीडियो का पॉइंट ये था जो मैंने बनाई थी कि जिस जिसने भी इसका इस्तेमाल किया इसके अगेंस्ट व्तेमाल हुआ है कल को जाके भुटो साहब के अगेंस्ट भी बेसिकली जो पाकिस्तान नेशनल अलाइंस थी उसमें रिलीजस एलिमेंट बड़ा क्लियर था कि वो पार्ट था उसका नहीं खुश कर सके उनको अपीज़ नहीं कर सके इसी तरह इमरान खान साहब की मिसाल ले लें कि इन्होंने रियासत मदीना का इतना नाम लिया और अभी जिसने गोली मारी वो भी यही जवाब पेश कर रहा था अजान में लाउड स्पीकर चलाया हुआ था मैंने मार दिया बेशक वो फ़ेक लग रहा है जो भी है लेकिन इनके अगेंस्ट वो यूज़ हुआ इन्होंने मौलाना समी के मदरसे को फंड किया उन्होंने कहा यह एजेंटा ये एक साल बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मैंने ये देखा कि सत्तर सालों में, के जब साथ खड़े हुए थे उसी के अगले दिन रजवी ने बोल दिया कि हम चले बहुत ही आगे की बात की थी मैं नहीं करता <laughs> वही ना वो एजाज चौधरी साहब ने जाके हार डाले थे साध रिजवी साहब को और, और चीज़ें की थी तो मैंने यही देखा कि जिसने भी अपीस करने की कोशिश की है ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह वो अपीज़मेंट जो जर्मनी के हक़ में हो रही थी चैम्बरलेन के टाइम पे ब्रिटेन की तरफ से तो जिस जिसने भी उसको अपीज़ किया मारा गया जिसने कहा पहले दिन से लड़ो उसको शायद कुछ मिल गया कुछ बचा लिया चर्चल ने बचा लिया थोड़ा बहुत लेकिन उसके अलावा अगर जो भी अपीज़मेंट की तरफ गया उसने मार खाई तो उसका पॉइंट ये था कि अब भी अगर आपको लगता है कि ये इस्लामिक टच पर पॉलिटिक्स करनी है तो आपका नंबर भी आएगा योर इन द लाइन तो खैर बात निकल गई दूर तो फिर आगे बढ़ते हुए पैंसठ की जंग की जो बात है वो तो फिर वहाँ से तो आगाज हो गया ना मतलब और ये जो आजकल सारी बात होती है ना कि ये डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है और इकॉनमी क्रम्बल कर गई है मैं समझता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वाज़ द द नेचुरल परमानेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो इकोनॉमिक बेहतरी है वो अब नॉर्मल था डिफ़ॉल्ट तो शुरू से प्रजिस्टेंट था क्योंकि वो जैसे ही आपकी जो एक्सटर्नल इंजेक्शन लगता है डॉलर का वो गायब होता है तो हकीकत खुल के सामने आ जाती है और मुझे समझ नहीं आती कि मैंने जितनी तारीख पढ़ी है शुरू में हर कोई बाहर भाग रहा है एड मिल जाए एड मिल जाए एड मिल जाए और

वो बांग्लादेश सस्टेन कर रहा था वो कुछ इसीलिए तो उनको अकल आ रही थी कि भाई रेवेन्यू तो हमारा खा रहे हैं और इसके अलावा हमारा जो पॉलिटिशन जो मेजोरिटी ले गया वो नहीं बन सकता वजीर आजम और उन, उ, वो तो सही फैसला कर गए अदरवाइज अभी तक रोटी उनकी होती है और पेट हमारे होते वो तो कहते थे पटसन की बू आती है इस्लाम आबादी से क्योंकि उनको पता था कि यार यही होना है और उसके बाद में जैसे ही वो अलग हुआ इंडस्ट्री का नामो निशान नहीं भुट्टो साहब ने कहा जाओ मिडल ईस्ट नौकरियाँ करो इधर कुछ नहीं है हमारे पास अब वो ख़त्म हो गया जो था सारा इंडस्ट्री लगी हुई थी and, तो ये एंड आप वो जो रेंट सीखेंगे आपने जिक्र किया हाँ। आप दे दें अमेरिका को सब कुछ दे दें दे और उनसे पैसे लेते रहें तो ऑब्वियसली ऑन ऑन पेपर द नंबर्स विल सीम फिनल बट क्या अयूब खान के टाइम पे गरीब खुश था <laughs> नहीं नहीं था उसके पास तो आज से भी कम राइट्स है बिल्कुल माय फादर मी के जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था ऐब के अगेंस्ट वो महंगाई पे हुआ था चीनी महंगी कर दी थी कुछ इस तरह स्कूलों में जो है राइटिंग शुरू हो गई थी उस टाइम पे लोग इतना तंग थे महंगाई से उस टाइम के ऊपर भी तो हम ये समझते हैं रिसेंट फिन है वो पहले दिन से रहा है परचेजिंग पावर उधर ही होती है रुपी डी वैल्यू कर गया इसका यह मतलब नहीं करोड़ रुपये आप किसी के पास है तो वो पहले से अमीर हो गया उसकी वैल्यू उतनी है जितनी पहले पाँच हज़ार की थी सिक्सटीज़ में फिफ़्टीज़ में तो खैर ये मैंने देखा कि जो परमानेंट स्टेट थी वो डिफ़ॉल्ट नाइन्टी में भी यही हो रहा था ना फ़ॉन करेंसी अकाउंट सीज़ करना शुरू हो गई थी नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट क्योंकि जी घास खाएंगे बम बनाएंगे तो बम बना लिया था घास खाने का टाइम आ गया असल में तो उसके बाद में उसामा साहब का अल्लाह भला करे जब उसने ट्विन टावर में अपना बर्ड मारा तो पैसे आना शुरू हुए यहाँ पे उसके बाद से वार्ड टेरर वाला जो पैसा था तो उसमें यह है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस तो किसी ने आकर की नहीं ना बाहर से पैसा आता रहा तो वो बस वो एक आपको एक ऐसी ग्रोथ जो कॉस्मेटिक किस्म की नज़र आती रही है वो सिर्फ़ ऑन पेपर ही थी उसमें कोई सस्टेनेबल चीज़ लॉन्ग टर्म चीज़ थी नहीं तो नाम लेकिन एवरीबडी इन आर सर्कल्स इलिट सर्कल्स हु सेलिब्रेट मुशरफ या तो बिठाओ तो बेटा बिठा, क्या सेलिब्रेट अच्छा था यार हम बाहर निकलते थे अच्छा था क्या अच्छा था जी दुकान पे जाते थे कॉफी मिल जाती थी कास्टा कॉफ़ी खुल गया था मैकडॉनल्ड्स आ गए थे <laughs> सेलफोन प्राइवेट मीडिया आ गया था एंड लाइट हो रही थी ना यार उसमें उसकी भी जरा इस्लामिक टच को कोट करें आपने जो वीडियो में किया हाँ उसका मैंने कहा कि वो जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी रिलीजियस ग्रुप्स को इतना वोट नहीं पड़ा जितना मुशरफ के टाइम पर मुशरफ की बनाई गई मुतहदा मजलिस मु� अमल एम को मिला जिसने पाकिस्तान के पूरे नॉर्थ को दोबारा रेडिकलाइज करने में बड़ा तगड़ा किरदारदा किया तो ये मुशरफ साहब की कारस्तानी थी जिसको लोग कहते हैं कि बड़ा सेकुलर आदमी था और तो ये यह यहाँ पर मसला ये होता है कि ये लाइफ स्टाइल लिबरलज़म को मिक्स करते हैं सेकुलरिज्म से और वो करते जाते हैं किसी ने अगर शराब का गिलास पकड़ा हुआ तो सारे कहेंगे देखो ये लिबरल है यार इसने क्या किया ये देखो भुटो साहब भी लिबरल थे सब लिबरल थे तो ये दिस इज़ दी अल्टीमेट कन्फ्यूजन जो रहती है यहाँ पर लोगों को और वो उसको सेपरेट नहीं कर पाते कि क्या वजह थी इसमें तो मैं ये समझता हूँ कि आगे बढ़ते हुए खैर 65 फाइव वॉर की बात कर रहा था तो उसके बाद तो आपने अमेरिकन को भी चूना लगा दिया ना क्योंकि वो कहते रहे कि भाई हमें हमारे ना यूज़ करो सिनिस्टर लग रहा है कुछ ये इतना जो हेलबेंट है ना कि हमें हथियार दे दो ये कर दो तो माज वहाँ खोल दिया रशिया की बात कर रहे थे वैसा तो हुआ नहीं तो उसमें लिख के भी दिया था कि इंडिया के खिलाफ नहीं यूज़ होंगे नहीं होंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि एम्बिश इैशनल डॉगमेटिक डिसीजन डिसन मेकर और इवन नवाज़ शरीफ साहब को कारगिल के टाइम पे ब्रीफिंग ये मिली थी कि आपको फातेह कश्मीर का टाइटल मिलेगा सोचें मियाँ साहब सोचें एक मिनट के लिए कि आप किस किसूज पर होंगे तारीख के जब लोग कहेंगे कि कश्मीर का फातह आ गया सो ही सेड वाह यार आइडिया तो ज़बरदस्त है तो बस वो डॉगमेटिक डिसीजन मेकिंग इस तरह की और एम्बिशस ये जो फ़ॉरन पॉलिसी कि हम जी एनक कर लेंगे और कर लेंगे वो कर लेंगे ये सारा कुछ तो उसका रिजल्ट आपके सामने है उसके बाद में 71 जो था वो भी एक पूरा ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना जो पहले से चला आ रहा है जिसमें आपने पहले अबडो कवानीन लेकर आए उसमें मुजीब का नाम भी था पॉलिटिक्स उसमें पार्ट लेना बैन किया उसका आज तक पॉलिटिक्स में रहे हैं तो अब आप पॉलिटिक्स में नहीं रह सकते नहीं रह सकते हम पाकिस्तान की ये जिस तरह हमने कोशिश किया था जब वसीम वकार हार कर आए थे कि सारे प्लेयर्स ड्रॉप कर दो सोचो पाकिस्तान सीरीज हार कर आए और हम लॉ बना दें कि आज तक जिसने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है वो नहीं वो क्रिकेट नहीं खेल खेलते नए चेहरे होंगे सिर्फ नए चेहरे होंगे क्योंकि खान साहब ने कहा था खान साहब की पार्टी में अस्सी फीसदी पुरानी चेहरे थे छोड़े परवेज इज हेडिंग द शिप यार मतलब क्या हो गया वो तो अब सबसे आगे ड्राइव कर रहे हैं उसको तो खैर वो ये देखा बाद में कि उसके बाद भी सेवेंटी में मुजीब की स्टेटमेंट है कि मेरे जो छः नकात हैं वो आसमानी शईफ़ा नहीं है वो चेंज भी हो सकते हैं मतलब उस पॉइंट तक वो एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है कि भाई कोई बात करो कोई और उनका वो डिमांड यही थी कि एक तो हमारा डिफेंस इंश्योर करें क्योंकि सिक्सटी फाइव वॉर में आपने ईस्टर्न बॉर्डर खाली छोड़ दिया था मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर पे जंग हो रही है और एक फिफ्टी वन परसेंट पाकिस्तान जो है ना वो डिफेंसलेस है तो लोग सोच रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पे अगर कोई हिंदुस्तानी फ़ौजी आता तो हमें किसने बचाना है तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारा भी कोई लाइन ऑफ डिफ़ेंस अपना रेस करने दो जैसे जैसे आज लेवीज़ हैं बलोचिस्तान में और जगहों पर हैं तो उन्होंने एक वो डिमांड की एक रेवन्यू की डिमांड की कि हमारा जो है वो ट्रेड करने दें हमें क्योंकि आप यहाँ पर हमें मिल्क कर रहे हैं सिर्फ यू, जो है वो एक्सप्लोय कर रहे हैं इकोनॉमिकली वो सही था कर रहे थे बेसिकली क्योंकि वो इनफ्लो वहाँ से यहाँ था यहाँ से वहाँ नहीं था सारा इंडस्ट्री का उसके बाद में ऑपरेशन शुरू हो गया सर्च लाइट वाला बुटो, बुटो एग्जैक्टली uh, exactly, और शाम को वो काम शुरू हो गया तो इसमें अब ये क्वेश्चन मार्क है माँ के hmm. बुटो इन निगोशिएट कर रहे थे या उनको पता था एन ही वाज बाइंग टाइम I don't know the answer to that. Well, that's very difficult to say objectively. इस तरह से इसको देखना काफी डिफिकल्ट है. बट बेसिकली अगर आप ये कह दें कि बड़ा चंक इसमें जो ब्लेम का ऑनर्स है वो establishment का नहीं है तो ये गलत बात होगी ऐसा तो नहीं है ना. Obviously they were calling the shots. Of course. तो एक सिविलियन जो इलेक्शन अभी लड़ा है, the idea that he was solely responsible. Yeah. Obviously his hands are not clean. Mm -hmm. And once it happened, बिल्कुल. उसको public wing बना दिया था कि बेटा अब इसको own कर <laughs> आप फिफ्टीज किया उन किया हाँ आप फिफ्टीज़ की पॉलिटिक्स अगर देख लें आपको समझ आ जाएगी कि ये आइडियोलॉजी किसकी थी कि ईस्ट पाकिस्तान से किसी को आके वेस्ट के फैसले नहीं करने देंगे तो ये फिफ्टीज़ में ही तय हो चुका था कि ये नहीं हो सकता वन यूनिट बनाओ और वन यूनिट के चक्कर में हमने बलोचिस्तान को भी मारना शुरू कर दिया के को भी उन्होंने कहा कि यार मतलब ये हमारा कोई अलग से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए तो वो है ही नहीं वो सबको एमेलगमेट कर दिया पंजाब डोमिनेट करना शुरू कर दिया जो आज तक आप जान नहीं छुड़ा पा रहे उससे तो खैर वो उसके बाद तो रहमान कमीशन रिपोर्ट आप हाँ पढ़ लीजिए कि उसमें क्या कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि एस्टोनिशिंग है मैंने जब पहली बार पढ़ी आज में से किन के वालिद भी हैं <laughs> ये है कि हाँ वो तो पता है तो खैर वो मैंने जब पहली बार पढ़ी तो ऑबियसली आई वॉज इन डिसबिलीव उसकी वजह कि ये लोग सोचते होंगे कि यार हम शुरू से इस तरह की टॉक्सिक बातें करते हैं और हमारा पाकिस्तान का इमेज डिस्टॉर्ट करने के पीछे लगे हुए हैं बट आई आई वॉज़ अ वेरी पेट्रियाटिक बॉय अ स्कूल बॉय जो कि बिलीव करता था इन सारी चीज़ों पे कि आई असम्बडी जो कि वो लव्ज़ द कंट्री बेसिकली यू वॉन्ट टू सर्व इन द आर्मी आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल तो जब मैं ये चीज़ें पढ़ी तो इट वॉज़ वेरी एगेनाइजिंग वेरी पेनफुल फॉर मी टू बेयर ये सिर्फ ये नहीं कि एक फैक्ट पढ़ लिया और सो गए रात को मुझे मेरी अल्टीमेट रियलिटी जो है ना वो चैलेंज हो गई थी कि ये क्या है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई पान के पत्ते की स्मगलिंग कर रहा है कोई बैंक लूट रहा है कोई ये कह रहा है कि जी वहाँ पर अगर भूख लग रही है तो मवैशी बंदे हैं उनके खोल के मारो और खाओ उसको क्या है कोई कह रहा नस्ल बदल दूंगा इनकी कोई कह रहा है कि वो जो सब सरज़मीन है उसको लाल कर दूंगा कोई कह रहा है कि वो मीटिंग हो रही है जिसमें सिर्फ एक बंगाली जर्नल है और वो सुनता है जब इतनी हरेफिक बातें तो वो बाथरूम में जाके खुद को गोली मार के कत्ल कर लेता है सुसाइड कर लेता है तो ये सारा कुछ जब मैंने सुना तो मुझे नहीं समझ आई कि ये हो क्या रहा है और उसके बाद में उसको सप्रेस कर दिया रिपोर्ट को और वो बाहर भी नहीं आने दे रहे कि नहीं ये इससे मुराल ख़राब हो जाएगा तो खैर इसमें उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई नो रिटर्न था वो फिर जैक्ट्री यहीं पहुँचनी थी क्योंकि वो तो कोल्ड वॉर में एक सेवेंटी नाइन में इन्वेजन हो गया अफगानिस्तान का तो थो थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई और जैसे ही वो ख़त्म हुआ प्रेसलर अमेंडमेंट आ गई दोबारा से वही सैक्शन लगना शुरू हो गई आपके ऊपर के वो दोबारा औकात पे ले आए क्योंकि आपने इस्तेमाल होना था आप हो गए और ये एक आज तक पाकिस्तान से झूठ बोलते हैं कि अगर हम ये ना करते वहाँ मुजाहिदीन ना भेजते तो यहाँ भी वो आ जाते और रशिया कब्ज़ा कर लेता तो इसलिए मुजाहिद था जया जिसने अच्छा फैसला किया तो भाई एन भी चल रही थी उस टाइम पर नॉन लाइन मूवमेंट यूगोस्लाविया वाज इन सर्कल्ड ऑल दल अराउंड बाय द सोवियत टेरिटरी दे स्टिल स्टिलडन डू एनी थिंग टू यूगोस्लाविया मार्शल टीटो की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर बिकॉज दे आर सिग्नेटरीज ऑफ़ एन एम तो अगर आप एक इंटरनेशनल अलाइंस बनाएं तो ये इतना आसान नहीं कि कोई बॉर्डर पार करके इधर आके बैठ जाए और अमरीका सोया रहे बाद में दैट एज वेल यूगोस्लाविया भी था उसमें तो उन कंट्रीज़ की इंटेग्रिटी को क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ यूगोस्लाविया तो चारों तरफ से इन सर्कल था उसे भी नहीं छेड़ सके तो अलाइंसिस का दौर था कोल्ड वॉर में और आपने ये कहा कि अगर हम बॉर्डर नहीं भेजें नहीं भेजेंगे अपने मदारस में रेडिकलिज़म नहीं भरेंगे जो आज फटते फिर रहे हैं हर जगह पर तो हम तो चल नहीं सकते असल बात डॉलर्स की थी सारी वो चार्ली विल्सनस वॉर पढ़ लीजिए किताब भी है मूवी देख, देख लें मूवी देख लें बेशक तो आइडिया हो जाएगा तो वो जो फ़ैसला था उसका अगले बीस साल तक हमने बुक्ता आबाद में कि नॉर्थ में क्या हुआ वहाँ पर लैंड माइंस बिछी वहाँ पर बच्चे लोगों के मरे ठीक है वहाँ पे ओ की ट्रेड पे लगा दिया वहाँ पे वेपनाइजेशन हर घर में इतनी ज़्यादा हो गई आज तक वही रिवर्स नहीं हो पाई रेफ्यूजीज़ का सबसे बड़ा नंबर खत्े में यहाँ पर आ गया हमने उसको बर्दाश्त किया

और नवाज़ शरीफ साहब वहाँ खड़े हुए हैं वो ट्रेन पे बैठ के यहाँ आ रहे हैं और दोस्ती की बातें हो रही हैं और अचानक से कारगिल हो जाता है जरदारी साहब जाते हैं जब वहाँ पे मुंबई में मैंने एक सेमिनार देखा उनका जब मुंबई अटैक से बिल्कुल पहले तो उनसे सवाल हुआ कि कश्मीर किसका है तो उन्होंने कहा इट बिलोंग्स टू द कश्मीरीज ओनली और उसके थोड़ा अर्सा बाद आप देखें वो हो गया मुंबई अटैक्स वाला सीन हो गया तो जैसे ही एक सीरियस एफर्ट हुई है

नहीं यार बैक होम तो उस पर क्रिटिसिजम आता है उस बात पे क्योंकि वो जिस uh, सोच को रिप्रेजेंट करता है वो बड़ी रेडिकल सोच भी है एक जगह पे आकर तो उसने रिस्क लिया उसने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को रूज लूज़ करने का रिस्क लिया इसका मतलब ये है कि वो आगे जिन लोगों को देख रहा था उसको ये एक आइडिया था कि दे आर फ्रेंडलीज आई मीन दिस इज़ अ गुड मूव बट इन जनरल मोदी कोई प्रो पाकिस्तान आदमी तो नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं है

वो हमारी तरफ से नहीं है इवन जब मिसाइल्स आ गई यार yeah. मुझे बताओ पाकिस्तान से अगर और और इंडिया में लैंड करती और हम बोलते मांगीसली इंटरनेशनल इशू भी बनाया उनसे रिपोर्ट्स भी मांगी बट डू यू थिंकन को वापिस हमने कितने लाइक डिप्लोमेटिकली तमीज से हर चीज की Did we have an option? That's my question. Oh, but I mean, like, if you're saying Modi ka goodwill gesture, these are goodwill gestures by Pakistan, right? Well, obviously they are. But then again, you know, whenever a new person comes to head the army, the first thing he says is that

विच वॉज़ एस्टोनिशिंग फॉर मी कि मैंने कहा यार ये कैसे कह दिया इन्होंने और उसके बाद में मुझे पता भी चला बहुत से लोगों से कि यू वॉज सम बट यू वॉन्टेड पीस विद इंडिया एंड इजराइल एज वेल लेकिन कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो सका बिकॉज द सिस्टम डज नॉट वर्क इन एन आइसोलेटेड कपैसिटी इट इन्फ्लुज द मैन हमारे यहाँ यार, यार इसराइल ने तो बहुत ही जुल्म किए हुए पैलेस्टाइन पर यार किए हुए हैं लेकिन मैं बाजवा साहब की आइडियोलॉजी डिस्कस कर रहा हूं कि वो क्या चाह रहे थे आपको याद है कुछ जर्नलिस्ट एकदम से ट्वीट करना हाँ, शुरू हो गए हाँ, थे वो तो मैंने खुलकर उस टाइम बोला था कि ये वजह से हो तो रहा है। तो बस वही था अगर कामरान खान ट्वीट कर रहा है कि से अच्छे होने चाहिए तो आप मतलब तो कोई बेवकूफ़ आदमी होगा जो नहीं कि क्या हो रहा है वो एक थी एक री थी वो कहीं और से बट ही वो सम बड़ीड पीस और जिसने वो जो नेशनल डिफेंस पॉलिसी आई थी उसमें क्या लिखवाया था बाजवा साहब ने हंड्रेडर्स ऑफ पीस विद इंडिया हंड्रेड ईयर्स ऑफ पीस

As, uh, so, जिसमें इमरान खान एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इट एंड प्राइम मिनिस्टर उन्होंने डिनाई कर दिया था कि यार्त तो मैं दूसरी कैपेसिटी में था इस वक्त मैं दूसरी कैपेसिटी में हूँ hmm. इस तरह की जो चीज़ें हैं बेसिक यार आलू आ गए hmm. टमाटर आ गए अगर पी टी आई ना लेती नहीं मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब अग्री नहीं करते बाजवा साहब की अप्रोच से हिंदुस्तान को लेके तो उनका इतना मसल नहीं था कि वो टक्कर लेके उनसे अपने बयानबाजियाँ कर रहे होते मेरा नहीं ख्याल वो इंस्टीट्यूशन की सोच को प्रोजेक्ट कर रहे थे इसकी वजह ये है कि अगर इमरान खान साहब का चीन पे नरेटिव मुख्तलिफ था जो कि था ठीक है बहुत कम लोगों को याद है कि कुछ लोग कह रहे थे सुहेल वड़ाज साहब का आर्टिकल ऑन रिकॉर्ड है कि दो का इलेक्शन चीन और अमरीका के दरमियान इलेक्शन है अगर नवाज़ जीता तो चीन आ रहा है अगर खान जीता तो अमरीका आ रहा है

अब इमरान खान साहब को लेके भी ये सोच नहीं थी बाजवा साहब की जो बाद में जितना सिंगल हैंडेडली उन्होंने सपोर्ट किया खान साहब को वो नहीं था शुरू में वैसा नवाज ने लगाया था ना उनको तो आस्ता आस्ता उन्होंने देख लिया कि भाई ये अंदर सोच कुछ और है एंड ही लेट डाउन एज़ाम्स और वो करना पड़ा उनको के मैंने आपकी सुना है पहले भी

Yeah. नए लोग आते रहते हैं तो वो लोग आते हैं who came in while you were chief of army sir yeah. तो जरा हैरार की और तो फिर जरा एस्टैब्लिश होती है जिस तरह अभी बड़े लोग बोल रहे हैं ना कि जनरल आसिम मुनीर इज द चीफ बट बाजवा का ही सब कुछ चल रहा है जनरल बाजवा का ही के सब कुछ नहीं इन... इतना का नहीं कह रहे क्या? <laughs> <laughs> नहीं नहीं मुश्किल है यार ये आई थिंक फैजस इन्फ्लुएंस ऑन द इंस्टीट्यूशन इज ओवरप्लेड पीडीएम हैज नथिंग टू सेल सो द आईडिया कि फैज अभी आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट को

तो अब सभी अपने हैं तो फिर फैसले का क्या हुआ नहीं इस पे तो अब कुछ नहीं कह सकते आई थिंक देयर इज अ प्रेसिडेंट बेनजीर ने शायद किसी रिटायर्ड को लगाया था चीफ आई डोंट रिमेंबर ऑब्वियसली दे कुड कम बैक और वो कह रहे थे चैलेंज ऐसे होगा कि ये तो रिटायर होने जा रहे थे ये कैसे चीफ बन गए

हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते है कि <laughs> कर हैं कि वो कर सकें तो बस वो उसमें खैर मूविंग फॉरवर्ड इसमें ओवरऑल uh, तो मुझे बिल्कुल इसमें कंसिस्टेंसी नहीं लगी और कंसिस्टेंसी सिर्फ ये लगी है कि इतना केआटिक एनवायरनमेंट कुछ सालों बाद एक डेकेड में किसी इंटरनेशनल वॉर से थोड़ा बेहतर मेकअप हो जाता है और फिर दोबारा से असल चेहरा सामने आ जाता है फिर वो हो जाता है फिर तो अब बेसिकली वी हैव ऑलवेज बिन लुकिंग आउटवर्ड्स इनवर्ड लुकिंग स्टेट बनाई कभी नहीं और उसमें ये कभी भी कोशिश नहीं की कि अंदर का जो रॉट है उसको साफ़ करें तो बाहर वाले जब मसाइल ख़त्म हुए अफगानिस्तान से एग्जिट हुआ अमेरिका का और उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में पाकिस्तान का नाम भी नहीं है इस वक्त जब हम बैठे हुए हैं क्योंकि वो इनकम्प्रीहसिव हो समझते हैं वो हो गया तो अब इनको समझ नहीं आ रही क्या करें पैसे कमाने तो सीखे ही नहीं पहले से इनसे सिर्फ वो बाहर से लेने सीखें तो दैट्स वाई आई थिंक ये मेल्टाउन और ये सारा कुछ जो लोग कह रहे हैं दस महीने में हो गया वो तो उनकी अकल पे तो मातम करना चाहिए कि इतनी बड़ी इसकी तारीख़ है पहले ये पढ़ लें इसको देखें कि कब से शुरू हुआ हुआ ये कौन कौन इसमें परपेट्रेटर है किस किस ने अपना हिस्सा डाला है और जो खान साहब के दौर को भी इतना ग्लोरीफाई ना करें छहत्तर फीसद कर्ज़ा पाकिस्तान की पूरी तारीख का उस बंदे ने साढ़े तीन साल में लिया है शौकत तरीन साहब अपना सिल्क बैंक बचा रहे थे उनसे मैंने ये सवाल भी किया जवाब नहीं दिया उन्होंने इसके अलावा हाँ वो उन्होंने प्रॉफिट में आर्टिकल mm -hmm. लिखा था मैंने वही कोट किया था उनको तो उन्होंने कहा नहीं ये सब झूठ है मैं क्या सू तो नहीं किया आपने किसी को झूठा सारा कुछ तो तो खैर उसके अलावा ये भी कि उन्होंने कहा शुरू में हमारे पास कोई प्लान नहीं था हफीज शेख को क्यों हटाया किसी को नहीं पता ठीक है वो अनसेरेमोनीस निकाल दिया उसको और ये आ गए जनाब अब आगे भी इन्हीं के हाथ में होगा अगर पीटीआई आएगी और उनका विजन आपके सामने है वो ख़ुद ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहे हैं मेरा अपना बैंक है जो आईएमएफ कह रहा है अंडर कैपिटलइज्ड है और मैंने पाकिस्तान की इकानमी चलानी है वो कह रहे हैं पहले अपना बैंक डिजॉल्व करो तो क्या क्या करेंगे उसके बाद आप असलम साहब से मैंने सवाल किया था ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शूप की प्राइस क्या हैं <laughs> वो नहीं हिंदुस्तान का पूछा था ट्रेड करेंगे उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता ये क्या बदतमीजी है मतलब हमारी तो पता नहीं कश्मीर पे कितना है। तो कश्मीर इज़ अ डेड हॉर्स आई डोंट थिंक दे कैन गेट एनी थिंग आउट ऑफ दैट ग्रेव नाउ दे दे शुड मूव फॉरवर्ड नाउ और जो भी ये बात कर रहा है कि वहाँ ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रही बिल्कुल हो रही हो रही है, है। इसराइल में भी हो रही होंगी जो फैलस्तीन हो हो वाली बात है लेकिन बात यह है कि आप क्या उसको कितना इन्फ्लुंस करेंगे यहाँ बैठ के एज अ बैंक करप्ट कंट्री आपके पास चीन की मिसाल नहीं है जो कि लद्दाख में एक फिजिकल वॉर लड़ रहे हैं हिंदुस्तान के साथ बट दे डोंट केयर के वो बंद कर दें बॉर्डर्स और ट्रेड को रोक दें और सब कुछ ख़त्म कर दें तो कंपटीशन पे हम यकीन नहीं करते हमें सिर्फ खंजरों वाली और तलवारों वाली जंग लड़नी आती है उसमें सिर्फ ये है कि गर्दनें उड़ा दो और दरगोर कर दो और झंडे लगा दो तो उसमें कंपेटिटिव वॉर चाइना ने कम्पैटिव वॉर ही किया ना उन्होंने कभी किसी जा के जाके इन्वेजन तो नहीं की क्योंकि वो बिलीव नहीं करते इस पर तो वो आर्ट ऑफ वॉर पढ़ लें लाउजू की जिसमें वो कहता है कि जो जो वे ऑफ वॉर जो होता है जो आइडियल वॉरियर है उसका वो यही है कि वो कम्पीट करता है बेसिकली वो एक कम्पेरेटिव वॉर लड़ता है तो ये उस पर बिलीव नहीं करते बिकॉज इनको और कोई तरीका ही नहीं आता डोमिनेट करने का है कि कोई अब आप जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हिंदुस्तान की जो ट्रेजेक्ट्री इस वक्त चल रही है आप मैसिवली आउट नंबर्ड हैं आप सोच भी नहीं सकते

सॉफ्टवेयर uh, एक्सपोर्ट देख लें उनकी मेरा ख्याल है ज़्यादा ही होगी हमारी टोटल इनकम से तो ये है कि वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज अभी जर्मन एम्बेसडर वहाँ पे लैंड किया उसको एयरपोर्ट पे कोई लेने नहीं आया था हिंदुस्तान में अ कंट्री लाइक जर्मनी जो कि वन ऑफ द रिचिस कंट्रीज़ इन यूरोप देर सीन टू अ डैम अबाउट दैम और बाहर जाके वो उनका एफ जो है वो ग्रिल कर रहा है ब्रिटिश एफ को और अमेरिकन को कि आपने कॉलोनाइज़ किया था आप कहाँ बात करने आए हमसे तो so गलत बात पे किया बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे किया था ना बीबीसी बीबीसी की, की डॉक्यूमेंट पे रिपोर्टेडली uh, इंडिया में उन्होंने बीबीसी के दफ्तरों पे भी छापा मार दिया फॉर तो दुजरा

बोइंग को ऑर्डर गया है 800 <laughs> पता नहीं कितने तैयारों का 250 प्लेन्स आई गैस यार अमेरिका उनको थैंक कर रहे हैं एक मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं वहाँ पे यार तो अब आप देखें कि क्या डायनामिक्स हैं कि हम बाइडन की हुकूमत अमेरिका बाजार सॉरी मोदी बाजार है बिल्कुल तो वो ये है कि they are providing <laughs> jobs to the Americans. So, Modi na regime change kar de. That could so, be the future. Yeah. One million jobs for a U.S. president yeah. is a lot. Like it can exactly. Aap ke approval numbers badal sakte. It hai. could influence the national policy. जी? और मैं भी तो पॉलिटिक्स अगर इंडियंस चाहें तो कि भाई ये चीज़ हमारे हमारे लिहाज से ये ऐसे कर दें प्लीज़ या हमें विजिट वीज़ा दे दें या कोई ये पास अब पैंसठ इकहत्तर की बातें करो और उस पर डिबेट करो कि हमने इतना टेरिटरी ली तुमने ली खत्म हो गया वो दौर यार अभी भी अगर आपका ये विजन है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रही है हम ट्रेड नहीं करेंगे तो भाई किसको किसी कंट्री में अगर छोड़ भी 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 देना वो वो कश्मीरीज को तो तो शायद नहीं नहीं आना चाहेंगे यहां तो अपनी म, भी नहीं आप आप ले सकते मुल्कों से भीख लेते हैं yeah. उनमें कोई अच्छे ह्यूमन राइट्स के वो हैं बिल्कुल मतलब से आप नहीं करेंगे लुक एट इसराइल और अमेरिका yeah. हमने इस तरह से फॉरन पॉलिसी बनानी है कि मुसलमानों का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है इसराइल को लेके भी हिंदुस्तान को तो चीन की बारीक क्या होता है आपको यार वहां पर तो किसी को बात नहीं आती खान साहब ने भी जवाब नहीं दिया उन्होंने कहा भाई इट इज ऑन द बॉर्डर चाइना बॉर्डर पे ही है आपके बोला मुझे पता ही नहीं उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता तो यही है ना कि इसका मतलब ये बात तो ही होती की है। बात कर रहे हैं। में आज तक किसी ने किसी, किसी ने नहीं, नहीं किया क्योंकि उनको भी पता है ना मीडिया को एक डायरेक्शन आई थी आज से कुछ साल पहले कि वो जो काफी रिपोर्टिंग हो रही थी इस इशू के ऊपर के सिटीज़न आते हैं शायाँ करते हैं पाकिस्तानी खातिन से उनको ले जाते हैं फिर मिसट्रीटमेंट होता है क्या होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है तो वो वहाँ से डायरेक्शन आ गई कि आइंदा बात नहीं होगी और तीन साल हो गए मैंने तो कोई खबर नहीं सुनी उसके बाद से तो इतना इन्फ्लुएंस होता है बिहाइंड क्लोज डोर्स एक बड़े फेमस एंकर भी हैं जिन्होंने सऊदी अरब के वो जो खशोगी वाला केस था उस पर शो किया उनको पता नहीं था कि भाई इस इसमें बोल सकते हैं या नहीं वो स्टूडियो से बाहर आई वज फायट अब बेग ही वज फाइड स्ट्रेट हो गए कि देवर अनटचेबल और तुमने प्रोग्राम कर दी है यार तुम पागल हो चलो घर जाओ और उसके बाद से वो किसी मेन स्ट्रीम चैनल पर नहीं आ सका धक्के खा रहा है अभी तक तो ये हमें नज़र नहीं आता ये इन्फ्लुंसिस लेकिन ये बहुत ज़्यादा होते हैं दे लक इन द इन द डार्क तो वो एक्नॉलेज नहीं करते लोग लेकिन ये माइंडसेट नहीं है कि इसराइल में ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रही है इसलिए ये बड़े मॉरल स्टैंड पॉइंट पे खड़े हुए हैं स्टैंड वो नहीं होता ना इनको ये बस अपना वो देखते हैं कि कहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा है और वहाँ पर अपना को याद आता है। उसके अलावा तो, के के साथ अगर ये चीन के साथ हो सकती है, के साथ भी कर लो फिर आप। ठीक है अगर या तो वो रिवर्स कर दो फिर एक रखो ना अपना इंडिया के साथ एग्री जो इनके अपने इंटरेस्ट हैं क्यों कोई पाँच सौ रुपए का फर्टिलाइजर लेगा लाहौर में या। अगर अमृतसर से वो आप दो सौ रुपए का मंगवा सकते हैं बिल्कुल नहीं बनेगा ना तो जो लोग फर्टिलाइजर बेचकर प्रॉफिट्स कमा रहे हैं उनका क्या होगा उसकी वजह से बॉर्डर बंद है और भी यार मतलब इसके अलावा जस्टिफाई भी तो करना है ना कॉम्बैट बजट को वो कैसे जस्टिफाई होगा अगर जरूरत ही नहीं है अगर इतना पीस आ गया कि जिस तरह से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आर्मी श्रिंक कर जाती है यार बट अगर ये वजह होती तो कम से कम नॉन कॉम्बैट बजट तो क्वेश्चन किया जा सकता ना हम तो नॉन कॉम्बैट बजट भी नहीं क्वेश्चन कर सकते नहीं हो सकता ना उसकी वजह यह है कि क्यों नेवी का वो जो रावल में

आई थिंक बहुत कंट्रीज़ कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर हमने जो ये एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करके प्राइस पे की है yeah. मैं तो कहता हूं हमेशा के दे शुड लर्न फ्रॉम जिया के उसके बाद क्या हुआ यहां पे सो दैट शुड बी द द वेक अप कॉल फॉर देम क्योंकि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो बड़ी जल्दी रिवर्स हो जाते हैं हिटलर के जर्मनी के अंदर भी इकोनॉमी एक टाइम पे बड़ी इंडस्ट्रियल कंट्री बना दिया उसने जब पहले किसी के पास रोटी खाने के पैसे नहीं थे उस टाइम पे उससे उठा के उसने वो लुटफाफा बनाई और पता नहीं हाईवेज़ बनाई ऑटोबान ऑटोबान बनाई सारा कुछ किया तो वो सब कुछ जो है वो बेसिकली सिविल लिबर्टीज से कनेक्टेड होता है डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन से कनेक्टेड होता है तो खाली इकॉनमी जो होती है वो इतनी आइसोलेशन में नहीं चल सकती इतनी देर तक तो उसमें रिवर्स होना ही होता है पोलिटिकल इकॉनमी होती है बेसिकली तो अगर आप ये देख रहे हैं कि अभी सही नंबर आ रहे हैं तो ठीक है बट लॉन्गर रन में इंडिविजुअल लिबर्टी जो कि बेसिस हैं डेमोक्रेसी की अगर वही इंश्योर नहीं हो सक रही अगर प्रेस फ्रीडम नहीं है इसके अलावा डिसेंट नहीं कर सकते ऑपोजिशन को क्रश किया जा रहा है इलेक्शन के रिजल्ट इतने डोमिनेंट तरीके से वन साइड आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग और ये हेल्थ है डेमोक्रेसी की जो कि डिटेरियोरेट कर रही है तो दे शुड लर्न फ्रॉम पाकिस्तान गैस दे शुड डू और हमें तो वहाँ से बड़ा कुछ सीखने का लंबी लिस्ट है हमारी तो क्या कह देंट एक तो खैर सिविलियन सुप्रेमसी जो वहां पर इंश्योर की जाती है है हमेशा से उसको सीख सकते हैं कि कि वो उसका रिजल्ट क्या आई आई डोंट द वैक्यूम था तो आ आ गए गए मतलब मतलब कौन बॉयज बॉयज नहीं नहीं खाली वैक्यूम की तो तो बात नहीं है मतलब मैं ये I mean, I mean, अगर आना चाहें किसी भी मुल्क में तो क्या ही सिविलियन

कि, किसी चर्च को जो है ना कुछ और बना दिया तो खुश हो गए लोग इतना तो ही वो भी यही चल रहा है ना कि पॉपुलिस्ट किस्म की अप्रोच थी पॉलिटिक्स को लेकर और लेकिन वहाँ पर एक वाइब्रेंट सोसाइटी है और जो मालिस्ट हैं वहाँ पर वो बड़े नंबर में हैं अभी भी और एक पोलराइजेशन उस हेल्दी पोलर हमारी तरह की पोलराइजेशन नहीं कि नवाज़ चोर है ये सच्चा है वो एक अप्रोच है पूरी सेकुलैरिटी को लेकर और रिलीजॉसिटी को ले

आई थिंक दैट समी लाइक के माल डिजर्व द्रेडिट है और बहुत से लोग कहते हैं डिकटेटर था नहीं तारीफ़ करनी चाहिए मुझे तो अच्छा लगता है जना साहब का फेवरेट था वो कहते थे कि मुझे भी प्यार से ग्रे वुल्फ का जो कि उसका निकनेम था तो ये फातमा जना ने लिखा है माई ब्रदर किताब में तो, तो हम इंडियन मिलिट्री को देंगे कि वो बैरिक्स में रहते हैं नहीं यार जो अर्ली लीडरशिप है उसके विजन को भी क्योंकि हाँ क्योंकि विजन का बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है क्योंकि जना साहब की तो वैसे डेथ हो जाती है ठीक है और ये भी तो एक ट्रेजेडी है ना यार बिल्कुल है ट्रेजेडी वैक्यूम बनते गए ना कोर्स लियाकत साहब की जब डेथ हुई तो उसको जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था पुलिस ऑफिसर वो भी प्लेन क्रैश में मारा गया वो जहाज ही गिर गया एकदम से वो भी आपका मतलब अगर कल को शाम में उनको रेसी बेटी बन जाए तो वो नहीं कर सकेंगे ना बस आप यही देख लेना कि अब आजकल आप किसी ऐसी पार्टी को जिसकी कोई बेसिस नहीं है जिसमें सारे इलेक्टेबल्स आके इकट्ठे हो गए हैं जिनका विजन सिर्फ ये है कि यहाँ वोट मिल जाएगा उसको कैसे कंपेयर करेंगे एडोलॉजिकल पॉलिटिशन से नहीं कर सकते आप मारे नहीं खाई हुई ना कोड़े खाए ना जेलों में गए ठीक है ना सत्याग्रह चलाई ना फिर भूखे पेड़ एहत किए तो बड़ा फ़र्क था विजन का मेच्योरिटी का पॉलिटिकल विजडम का बहुत फ़र्क था तो ये तो पॉपुलिस नारा था जज्बात की बेस पे वो अगर उसमें कुछ कुछ लोगों को वो इकट्ठा करने में कामयाब हो गया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके पास सब्सटेंस भी इतना है हुसैन कानी की जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ये कह रहे थे मुस्लिम लीगर्स ये सवाल कर रहे थे अब करना क्या है पार्टीशन के बाद इतना लैक ऑफ विजन भी था जब जना साहब की डेथ हुई उसके बाद से तो इसीलिए वहाँ पर यह नहीं था क्योंकि दे वर क्लियर के दिस इज़ वट वी नीड टू डू वी वर अनक्लियर हम तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि यार नेचर क्या होगी इस नई स्टेट की उनकी तो नई स्टेट थी ही नहीं वो तो कहते हैं कि हमारी तो भाई पाँच हज़ार साल की तारीख है हमने परसिस्टेंटली हम चले आ रहे हैं हम एक सिविलाइजेशन है और हमें अब आज़ादी मिली है तो हमारा तो एक कार्व्ड स्टेट बनी ना नई निकाल के वहाँ से अलग की उसको तो हम तो मिडल ईस्ट स्टेट की तरह बिहेव करते रहे थे हम सब कॉन्टिनेंट के अंदर बैठे हुए थे और हमने कहा कि उनको प्रोटेक्ट करना है कभी सलाफ आ गया कभी कुछ आ गया तो हम बेसिस डिसाइड नहीं कर पाए सो तो द फर्स्ट थिंग इज़ हिस्टोरिकल क्लैरिटी

तो एक लड़की ने हम दोनों को साथ डीएम किया और सही बात है क्या कहें वो चाय भी इकट्ठा रही थी। <laughs> सेवर ब्लॉग <पलौक> में <laughs> बुला रही थी <laughs> तो और उसका नाम तमकिरत नहीं था <laughs> यार <laughs> तो खैर इसमें फिर एक तो वो लैक ऑफ क्लैरिटी था कि जो हिस्टोरिकल क्लैरिटी नहीं होती तो अगला विजन भी नहीं पता होता कि कहां जाना है कहाँ से रहें तो इट्स इट्स प्योरली दैट क्योंकि जो रूट्स हैं रॉट की सारे वो वहीं पे हैं कि अभी तक कुछ लोग हेल्प बैंड हैं ये कहने में कि नहीं ये एक लॉजिकल प्रोजेक्ट है और ये सिर्फ़ जो है ना वो एक उम्मा के लिए बना है और इसकी अपनी कोई शनाख्त नहीं है एक आलमी शनाख्त का पैकर मुल्क है और इसके अलावा ये मतलब उसमें रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी भी नहीं बन सकती इस सोच के साथ इस सोच के साथ ऐसे लीडर भी नहीं आ सकते जो कि सियासत के अंदर मज़हब को ना बेचें और आवाम भी ऐसे ही वोटर पैदा करती रहेगी जो कि सिर्फ इस्लामिक टच पे वोट डालता रहेगा। आई थिंक इट्स ओवर प्लेट दो पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस <coughs> मैं भी ऑब्वियसली इतनी दफ़ा बोल चुका हूँ है ज़हरी बातें हैं वो मैं नहीं डिनाई कर रहा बट अगर कल को कोई भी हुकूमत आ जाती है और वो पाँच साल दो हुत दस साल इकनॉमिकली डिलीवर कर देती है ये डिबेट्स चलती रहेंगी के एफ होता रहेगा एल होता रहेगा ये बातें होती रहेंगी बट इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना फंडामेंटली पड़ेगा बिकॉज इकोनॉमिकली पीपल कॉन्ट डिलीवर दिस इज वाई कल्चरल पाकिस्तान राइटर वोटिंग ऑन द बेस ऑफ कौन बेहतर मुसलमान है नहीं इट्स नॉट फोर आई थिंक जैसे ही हमने ये फैसला किया कि हमने एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी बनानी है तो उसकी रेसिपी के अंदर ये शामिल था कि पैरेफरीज को सप्रेस करना है Because their distinct identity is a threat to a national identity. Historically, I agree with you that... Yeah. That, 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 that is still happening. And see why the economy uh, suffers. That hai. obsession with creating a national identity. Yeah. And overnight making regional identities subservient to that, yeah. right? I get a lot of criticism from logo in Karachi for saying this. But it's true that Urdu was enforced in Pakistan pe as part yes. of the nationalization project. बिल्कुल, बहुत पाकिस्तान है मुझे की इस जुबान है। नहीं थी हिंदुस्तान की थी हिंदुस्तान वो अख्तर ने भी बोला और नाराज हो ये, ये, तो ये बातें yeah. बाते चलती रहेंगी और डिबेट होती रहेगी लेकिन yeah. गवर्नमेंट इवन अगर इमरान खानी इमरान खान आ गया दो हजार अठारह में जैसे भी आया बिल्कुल ही इंजीनियर कर करके आया hmm. आने के बाद उसने सारे काम से इकॉनमी के जो हमारे रेंटियर मॉडल है उसको ख़त्म करके ज़्यादा डिस्पैरिटी कम की सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स किए लोग इसको ये क्लिप कर देंगे कि साहब ने बोला ये किए नहीं मैं बोलता अगर किए होते इट मैटर्ड ऑल दिस इस्लामिक टच ऑल दिस स्टफ़ would not have mattered as much. Well, I think this is pretty much interconnected because अगर आप ये सब करने की कोशिश करें और उसके अलावा आपका एक radical विजन भी हो तो उसमें पहली बात तो ये है कि एक पीसफुल environment एक humanist किस्म की स्टेट बन नहीं सकती और capitalism अगर चलाना है तो वो रूम टेम्परेचर है उसका कि एक तो विजिटर ने भी आना है बाहर से इसके अलावा ट्रेड के लिए भी एक ऐसा माहौल हो सी पैक में सबसे बड़ी इम्पेडमेंट क्या है पीस है ना क्योंकि वहाँ पर स्कर्मिशेज भी होते हैं बॉर्डर पे ईरान के साथ उसके अलावा वहाँ पर सिसेशनस मूवमेंट भी चल रही है आप बाढ़ लगा रहे हैं गवादर के अंदर न्यू गवादर अलग कर दिया पहले वालों को साइड पर डाल दिया मौलाना हिदायतर रहमान की तारीख चल रही है बलोचिस्तान में मछेरों की जो कहते हैं टॉलर से आप ना मछली पकड़े यहाँ पर और पानी दे दें दे हमें तो ये सारा कुछ क्यों होता है आप खाली इकोनॉमिक डिसीजन लेके पॉलिटिकल रियलिटीज को साइड लाइन नहीं कर सकते क्योंकि अगर जैसे ही वो करने की कोशिश करते हैं इकॉनमी सफ़र करती है तो टॉकिंग अबाउट पीपल हु एवरी सिंगल डेड मोर वो दिसर है और जलाओ आई एम सेंगे एक आग तो जल रही है ये आइडेंटिटी वाले मसले मसाइल की ये जल रही है Sorry. अगर कोई एक ऐसे हुक्मर आना आए जो बोलना अच्छा यार ये जल रही है mm. हम अभी इसको बढ़ाएंगे नहीं बट ट्राई एंड एक काम डाउन दम सेल्व देखिये ना जिसना कराची yeah. की जो एथनिक वॉर्स हैं देर फ्यू बाई इकनोमिक डिसर पख्तून का कराची में कोई हिस्टोरिका नहीं है yeah. उसी तरह बहुत सारे हमारे मसले हैं hmm. जिनमें मजहब का कलर दे दिया जाता है अभी मुमताज yeah. कादरी प्रोटेस्ट थी hmm. उनकी डिमांड्स में इकनॉमिक डिमांड्स क्यों थी आप आए हैं कैपिटल yeah. को सीज करने क्योंकि मुमताज कादरी को फांसी हुई है yeah. और आप इकोनॉमिक डिमांड मांग रहे हैं उसका मुमताज कादरी से ताल्लुक क्या है एंड इफ पाकिस्तान वाज इकोनॉमिकली डिलीवरिंग दी अमाउंट ऑफ पीपल हु वुड हैव बीन इन दैट मुमताज कादरी प्रोटेस्ट टू बिगिन विद वुड नॉट हैव बीन एज मच वेल यू कैन से मुझे नहीं लगता सस्टेनेबल मॉडल है, है कि हम इस तरह की रियलिटीज को ओवर लुक करके ग्रोथ को अचीव कर लें इस तरह से आप कह रहे हैं कि हो जाएगी इसको अपनी जगह पर रहने दो इस आग को और साथ साथ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट ये नहीं कह रहा कि होने दो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें साथ साथ ही करनी है बट आई फील लाइक समट पीपल से दैट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है I,

जो आपका एक विजन था जो सोवियत एरा वाला उसको भी रिफॉर्म करने की कोशिश की तो उससे चेंज ऑर्केस्ट्रेट हुआ तो बेसिकली ऐसा भी कोई बंदा आ सकता है जो कह दे आके कि यार नहीं हमारी ये हिस्ट्री है ही नहीं अब हमने ये वाला रास्ता लेना है ठीक है अब वो हो गया जो आना था वो डॉगमेटिक लेंस से निकल जाओ आई आई टेल यू यू गिव वन एग्जाम्पल गाँवों में क्या होता है बच्चे आप पैदा कर देते हो hmm. दस बारह ग्यारह उनका खिलाने hmm. के पैसे नहीं होते तो फिर आप उनको कहाँ भेजते हो

हम रखेंगे इनको लॉट ऑफ पीपल आर सेंडिंग देयर किड्स टू मदरसाज बिकॉज उनके पास खिलाने पिलाने के लिए है ही नहीं आई एग्री विद दिस मैंने वीडियो में ये कहा था कि पॉवर्टी इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ द मदरसा एनरोलमेंट इन पाकिस्तान क्योंकि अगर पब्लिक स्कूल चल रहा होता ज़बरदस्त तरीके से तो वालदान हमेशा ये कहते हैं जिनके पास पैसे होते हैं कि पहले इसको स्कूल में भेजो

Yeah. There are ways to do it, right? कि जिन लोगों ने जो कुछ किया है उनकी अकाउंटेबिलिटी हो उसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर कोई तालिबान है तो उसके चार साल के बच्चे को खड़े करके गोली मार दो yeah, रैशनलाइज साथ साथ भी करते हैंजी को कि मैं क्यों अग्री करता हूँ उनसे क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने ये क्या गुलामी की जंजीरें थोड़ी वो उनको एक एंटी इम्पेरिस्ट फोर्स समझते हैं नंबर वन नंबर टू वो ये समझते हैं जस्ट वॉरियर्स

Yeah. जिसमें उन्होंने बोला कि हम पीटीआई के मुखालिफ पार्टीज़ को टारगेट करेंगे करेंगे देखा मैंने और जैसे ही फैज साहब का रिमूवल हुआ तो उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कर दी अगेंस्ट पाकिस्तान राइट आफ्टर दैट क्योंकि वो चाय पी के आए थे और वो उसके बाद वो सब ठीक हो जाएगा कहा था और ठीक ये हुआ कि यहाँ पे धमाके शुरू हो गए लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी अग्री करता है अफगान तालिबान से वो टीटीपी को एम्पावर करना चाहता है बिकॉज दे बिकॉजन देर देर फाइटर्स पाँच हज़ार फाइटर उनकी जेलों से छूट के आया और अब मसला वहाँ पर क्या चल रहा है कि अगर अफगान तालिबान से ये जाकर कहते हैं कि टी टी पी के जो हाइड आउट्स हैं उन पर हमने अटैक करने तो वो कहते हैं नहीं अब उसकी वजह क्या है उसकी वजह ये है कि अगर अफगान तालिबान अटैक करेंगे टी टी पी को तो टी टी पी और जो खुरासान की दाइश तहरीक है आई एस एस खुरासान वो मिल जाएंगे और अफगान तालिबान की मनापली टूट जाएगी ये मार देंगे उनको और उनको फंड भी किया सपोर्ट भी किया और उन्होंने बाद में कहा खुद ही करे भाई हम तो नहीं कर रहे और कुछ को कहा हम कर भी रहे हैं अब अब टीटी पी को वो कहते हैं हम आपके अगेंस्ट नहीं है पाकिस्तान को कहते हैं हम टीटी पी के तो इसीलिए हमें यह पता नहीं था क्या कि ऐसा हो जाएगा मतलब हर किसी को अंधे को भी नजर आ रहा था कि अगर इनको सपोर्ट करोगे तो टी टी पी एम पावर होगी टी टी आई थी ना पावर में जब तालिबान आई है तो जहरी बात है हमारे जो फिफ्थ जनरेशन वॉरियर्स हैं वो सब साथी साथ ही थे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान में कोई फर्क नहीं है एक ही के एफ सी की दो ब्रांचेज हैं इतनी गालियाँ इतनी गालियाँ बिल्कुल अब जब हमारे सोल्जर्स हमारे जवान मर रहे हैं तब ये वही लोग साइलेंसेज हैं बिल्कुल अपनी पुरानी डिलीट कर रहे हैं हाँ तो इन्होंने इस तरह कहा कि ये जी ये बिल्कुल दो सेपरेट फिन हैं एक एंटी स्टेट फिनमिना एक प्रो स्टेट फिनमिना है तो भाई आप नहीं कर सकते इवन चीन ने उन्हें कहा था कि अगर पैसे चाहिए तो इनको और जो एटम है ईस्ट इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो चीन को मारती है जिंजांग में उन्होंने दो डिमांड्स की थी पाकिस्तान ने कहा टी को इधर नहीं आने देना उन्होंने कहा एटम को नहीं आने देना उन्होंने कहा ठीक है लेकिन वो नहीं कंट्रोल कर पाए वीक गवर्नमेंट क्या करेगी वहाँ पे अब वहाँ पर इस तरह गरीला वारफेयर शुरू होती है वो खुद गरीला वारफेयर की पैदावार हैं वो कैसे रोकेंगे काउंटर फोर्स को जो कि उनके बराबर कल को खड़ी हो जाएगी जाके तो इनको नजर नहीं आया बिल्कुल डम्प है पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन्होंने वहाँ बनानी थी उन्होंने यहाँ बना ली ठीक है वो यहाँ पर आ गए और अभी पिशावर में जो ब्लास्ट हुआ है कितना ज्यादा जिसमें मस्जिद के अंदर 120 लोगों की डेथ हुई वहाँ पे और अभी भी वहाँ पर लोग मर रहे हैं अभी कुछ कुछ रोज पहले भी एक अटैक में हुआ है इस तरह से जो बड़ा सा है, कि है क्या है ड्रोन है या कुछ और है। कराची वाला <laughs> एग्जैक्टली exactly. तो वो ये है कि मतलब जिसने भी ये सोच के सपोर्ट किया कि जी अफगान तालिबान की नेचर डिफरेंट है वो टी टी पी को ही एमपावर कर रहा था तो खान साहब का ये आपका जो सवाल है कि टी टी पी के हक़ में क्यों हो गए हैं तो वो अगर अफगान तालिबान के हक़ में तो सरप्राइज़ नहीं है कि टी टी पी के हक में भी हों बिकॉज देवर आर द सेम थिंग फियर फियर आई थिंक इज फैक्टर क्योंकि शबाज शरीफ का भी वो रिपोर्टेड न्यूज़ थी कि शबाज शरीफ ने दो हज़ार पाँच दो हज़ार पंद्रह में जब बोला था पंजाब में मत करें ये भी लें तेरह में क्योंकि पीपल्स पार्टी को पंजाब में कैंपेन करने नहीं दी थी तेरह में ना तो वो ग्राउंड खुला था नून लीग के लिए और वो जीत गए इसीलिए बड़े हैवी नंबर के साथ तो क्योंकि पीपल्स पार्टी को उस टाइम भी थ्रेट्स थे बिलावल ने एक आधा जलसा किया था और वो भी बड़ा वो बंद सी जगह थी वहाँ पर किया और उसके अलावा भी बंद कर दिया सब, पार सब जियाला जियाला चलाएंगे बट आउट ऑफ द्री पी 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 इज द मोस्ट क्लियर एंटी तालिबान पॉलिसी या यू कैन से But now, when he goes out uh, on international forums to. Defends the Afghan Taliban government, which yeah. is, I mean he's the establishment's party's foreign that minister. Is, so I, 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 policy I couldn't make sense of that, yeah. But what is that? pakistan, the foreign minister? Isvakt, yeah. that?

Hmm. or we can be like a hey, criminal and just just cut them off like i also don't think economically cutting them off from the world is the way to go hmm. i like personally Yeah. liberal yeah i think it's uh, i think in, in 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 either of the ways it it's not going to help us economically strong I don't think it will change their their viewpoint about Pakistan but i'm not talking about policy, I'm talking about basic humanity. Mm. कि यार जलाद हैं ये लोग yeah. लेकिन ये लोग अगर इन पावर हैं तो जो अफगान लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं उनकी क्या गलती है यार ह्यूमैनिटेरियन व्हाई शुड ह्यूमैनिटेरियन एड नॉट फ्लो इन बट द मनी वुड गो थ्रू देम खाने दे दो यार डायरेक्ट दे दो कुछ तो दे दो ह्यूमैनिटेरियन एड mm. को तो आने दो वेल यू कैन से दैट बट आई थिंक इट्स द केस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू डिसाइड हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम उनको फंड कर सकें इस तरह से तो वो हम प्लीड कर रहे हैं ना कि ह्यूमैनिटेरियन एड लाइक दैट्स पाकिस्तान पॉलिसी राइट लेट द ह्यूमैनिटेरियन एड कम वेल बिलावल सिंह ऑल दिस विद अटर कन्विक्शन इज वेरी पैराडॉक्सिकल टू मी एंड द अदर स्टेटमेंट दैट ही गिव रिगार्डिंग बुचर ऑफ गुजरात वाज प्रीटी स्टूपिड वही बात तो अभी जिस तरह इंडियन का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा था

Are you in any doubt that PPP and establishment are not at all. Then? But I expect I expected better of these people because I thought that they seems to be understanding more uh, regarding this regional politics in in this you know in this area unfortunately, the India policy of People's Party is uh, almost identical to TLP. Nothing different because they see that as very. एज ए टोटल एंटेगनिस्टिक कंट्री जिसके साथ कोई बात नहीं हो सकती जिसमें हर टॉरिक में कश्मीर और कश्मीर और कश्मीर आ रहा है इसके अलावा कुछ नहीं भुटो साहब का भी इस पे जो विजन था पॉलिसी totally no, जो पाकिस्तान की। 1971, आपने इंडिया के साथ आपकी पॉलिसी अच्छी हो भी नहीं सकती थी यार यार कुछ भी ना होता बट बात वही है कि ये कह देना कि जी वो वो बम बनाने वाली जो स्टेटमेंट सर वो सारा कुछ और इसके अलावा हिंदुस्तान को लेकर जो जिंगोइज्म क्रिएट किया गया उनके प्लेटफॉर्म से उनकी स्टेज से जो होता था नवाज़ शरीफ से ही जैसे बंदे से जो कि भुटो साहब से कंपेयर भी नहीं हो सकता उससे कंपेयर कर लें ही वॉज मोर प्रैगमेटिक इवन ही वॉज मोर प्रेगमेटिक इंडिया पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि नाइन्टीज़ में भी वो जिस तरह से पॉलिटिक्स की उन्होंने जो कि लाहौर में हुआ सारा कुछ और उसके बाद में अब भी सो दे सीम टू बी द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट जो कि हिंदुस्तान को जो जो ट्रीटमेंट उसकी बात कर रहा हूँ तो बिलावल साउंडस द सेम और उसमें भी वही जेंगोइज़म की वो फ्लेवर है हिंदुस्तान को लेके जबकि बोन ऑफ कंटेंशन ही वो है इस रीजन की तबाही की कि आप लड़के बैठे हुए हैं तो जो भी कहता ये है कि ये मोदी के यार बारे नारे लगाता है और ये सारा कुछ करता है मुझे तो वो

तो यह काट रेरी से मच इवन इमरान खान साहब ने तो ये कहा था कि मोदी अगर वहाँ जीत जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है क्योंकि वो जो हाँ कांग्रेस जो है वो प्रेशर में होती है हमेशा के पाकिस्तान से बात नहीं करनी तो ये बात करेंगे लेकिन तो ही वपोर्टिंग मोदी इन दी इलेक्शन और वो जीता और बाद में क्या हुआ कश्मीर वाला थ्री हो गया तो इसीलिए आई थिंक लाइक राइट नाउ लोग बोलते हैं भाई पीडीएम सेलेक्टेड है बिल्कुल है 100 है पपेट बिल्कुल है 100 है yeah. बट ये सिविलियन सुप्रेमसी और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पावर इज आल्सो नॉट अ बाइनरी द रीज़न मैं ज्यादा हार्ड इमरान खान पर तनकीद करता हूँ इज के दो से दो तक कुछ स्पेस सिविलियंस ने रीगेन कर ली थी

राहल शरीफ पे हम तनकीद करेंगे ये, नहीं मार्शल लगा रहे? Yeah. ये शोज होते थे ये yeah. मार्शल क्या आदमी है <laughs> नहीं कर पाकिस्तान की <laughs> नहीं लगा रहा मार्शल लॉ <laughs> 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 समझ रहा हूँ किसकी बात हो रही है आ, समझ बिल्कुल <laughs> उसमें मतलब ही एक का गाना नहीं सुना उसने <laughs> <laughs> वो तो बाजवा साहब के बारे में कहा था लेकिन हाँ ये ही वॉज अ पॉपुलर सोल्जर यहाँ पाकिस्तान में बना दिया गया और वो बट वो टेररिज्म खत्म हो रहा था उस दौर में थोड़ा काफी ज्यादा कम नीचे आ गई वो और सोया uh, so yeah, जिसके पल्ले शायद कुछ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी होगी इन टर्म्स ऑफ जॉब दैट्स

पाकिस्तान वुड हैव बीन बेटर आर इकोनॉमी वुड हैव बीन बेटर सिविलियन सुप्रीमेसी वुड हैव बीन बेटर एंड अदर ऑप्शंस वुड हैव इमर्ज्ड राइट अमार अली जान जबरान नासिर एडब्ल्यूपी लेफ्ट की अब ये इतनी पॉलिटिक्स इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने देखा पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हो सकती है इलेक्शंस हो रहे हैं रेगुलरली hmm. तो वो चीज रिवर्स करके अब वापस आप इनको इसलिए लेकर आए हैं कि भाई हमें 2017 पे वापस ले जाओ Yeah. अभी हम वो जंग लड़ रहे हैं इसीलिए yeah. डार साहब को भी ले आए कि शायद वही वाला मॉल बन जाएगा लेकिन उलट हो गया उसका लेकिन यार आई डोंट डोंट नो आई 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 मीन एम नॉट दैट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि अगर वो सब चलता रहता तो बिल्कुल ठीक हो जाता शायद बिल्कुल ठीक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वाला सीन तो था उसमें स्पिरिट uh, ऑफ uh, वो जो uh, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाला सीन था था तो तो ऑब्वियसली वो चल रहा था। लेकिन ये थर्ड फोर्स क्रिएट करना तो आज का नॉम थोड़ी है ये तो इतना पहले का करते हैं ये जिस तरह से शुजाद हुसैन वगैरह को भी खड़ा किया था और वो बना दिया काफ लीग बना दीपल्स तो पार्टी टूट तो के अब वो आधी पी में आ गई है आधी कहीं चली गई है ये जो बोलते हैं ना कि मारूसी सियासत मारूसी सियासत एक तो पाकिस्तान का फंडामेंटल मसला है भी नहीं मारूसी सियासत ना करें तो और क्या करें आप सारी पार्टियां तो तोड़ देते हैं जुल्फिकारी भुट्टो के साथ के जो लोग थे उनको जयाल किया आपने कैबिनेट में डाल दिया नवाज शरीफ के साथ के जो सारे लोग थे उनको यार जीती नहीं है ना बेचारा जमात इस्लामी वालों को वोट बट आप पार्टी बनने का देते हैं यार जुल्फिकारी या। भुट्टो को टांग दिया तो कौन करेगा उसकी पार्टी बेनजीर भुट्टो को मार दिया सड़क कौन करेगा उसकी पार्टी वैक्यूम इतना बड़ा क्रिएट हो जाता है हाउ लाइक लाइक यू पार्टीज टू बी द डेमोक्रेटिक पार्टी बट उनके लीडर्स को आप मार देते हैं उनके जो नीचे लोग होते हैं उनको आप तोड़ तोड़ के दूसरी पार्टियां बना देते हैं आप हैं मौरूसी कर भाई तो वुड दे नॉट बी स्केर्ड नवाज शरीफ अगर चौधरी निसार को बना देता तो क्या होता बिल्कुल

इवन उन्होंने डिसपॉइंट किया था कि तोशाखाना में उनका भी नाम था hmm. आ, मुझे अच्छे आदमी लगते थे <laughs> आ, बट वोट मरियम नवाज का है या शायद काका नवाजी का है मरियम का ऑब्वियसली तो वही है कि वो जो हमारे यहाँ पर जो असल में वोट बैंक है जिस तरह से वो उसकी डायनामिक्स है उसको अगर पढ़ा जाए तो असल में तो डेमोक्रेसी वहीं पे आइडियल हुई ना जहाँ पर इंडिविजुअलिज्म था जहाँ पर ये ग्रुप्स नहीं थे किनशिप ग्रुप्स नहीं थे वहाँ ये नहीं था कि वाले साहब ने कहा कि छः बच्चे हैं इसको वोट दे दो सब ने वोट दे दिया तो वोटिंग पैटर्न इस तरह बना हुआ है कि वो किनशिप के बगैर चल नहीं सकता तो या तो आप उस बेसिस को चेंज करें जो जहाँ से ये फ्यूल होती है सारी पॉलिटिक्स जो जहाँ से इमर्ज करती है स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो बैन कर दिया आपने ज़िया साहब के दौर में हुई क्योंकि उस टाइम पे पीपल्स पार्टी की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो जिया साहब की कमर पे चढ़ी हुई थी कि भाई है। तो मैं नहीं चलने देंगे तो फेडरेशन एग्जैक्टली exactly. तो उसके बाद से वो रिवर्स हो ही नहीं सका सिंध ने अभी किया पता नहीं उस पर भी क्या स्टेटस है मुझे नहीं बाई लॉ तो कर दिए ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ में तो नींद नजर आई वही ना उस पर मैंने वो बात नहीं की इस्लामाबाद वेू पर मुझे बहुत लोगों ने कहा टाइम नहीं मिल सका लेकिन जवाज़ ये तलाश करते हैं वो बलोचिस्तान के बच्चे थे बलोच और पशतून स्टूडेंट काउंसिल में लड़ाई हो गई उस बेस पे मिलट्राइज कर दिया सारा इंस्टीट्यूशन आजम हाँ क्या हरकत की है इन लोगों ने अभी हॉस्टल हॉस्टल तो खाली करा खाली कर दिए हैं करके जो जांच कर रहे हैं उसको गिरफ्तार कर रहे हैं और प्रेसिडेंट साहब ने एक दम से नए वीसी लगाए हैं जो कि उनके विजन से सिक्योरिटाइजेशन के विजन से अग्री करते हैं ताकि उनको एक अच्छा स्पेस मिल गया कि ये प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी थी यही मौका है दबालो गर्दन को इसकी तो ये वो जवाब ढूंढ रहे होते हैं सिर्फ़ अभी इन्हीं स्टूडेंट्स को यूज करके ये प्रोटेस्ट कर रहे थे ना हाँ, कर, कर दिया अब, अब उस पर जवाब क्या होता है हमेशा प्रोटेक्स ये होता है कि यार ये वायलेंट है इसलिए बैन किया हुआ तो पी टी आई को फिर बैन कर दो अभी जो उन्होंने जमान पार्क में किया है नवाज शरीफ को भी बैन कर देते जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था उसने वो पार्टीज चलती रहती हैं, टीएलपी भी चलती रहती है स्टूडेंट यूनियन में, अगर में लिखा हुआ है कि अभी नहीं हो सकती तो आईजीटी क्या कर रही है फिर आपने उनके लिए ग्राउंड खाली छोड़ा हुआ है सारा कि वो ज, जहां मर्जी फिर लेकिन बाकी सबको अंडरमाइन करने की कोशिश है तो वहां पर जो हो रहा है इट्स अटरली कंडेमेबल वो भी एक प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी है मैं जब पहली बार गया स्टडी सर्कल करने के लिए अभी लास्ट ईयर वहाँ पे भाई दीवारों पे मार्क्स के पोस्टर बने हुए मैं ये किधर आ गया हूँ पब्लिक सेक्टर में और वहाँ पर जो वो ढाबाज हैं जिनको अभी डिमोलिश कर दिया इन्होंने उधर बैठ के डिबेट्स होती हैं एक डायलैक्टिक्स नज़र आती हैं आपको होती हुई वहाँ पर वो सारा अपरूट हो गया I feel public यूनिवर्सिटीज आर better than private universities. पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटीज वेरी डिफरेंट तो मैं मेरा लेंस वो था के यू इज नॉट बैड के यू के यू इज प्रोबब्ली प्रोबब्ली मोर प्रोग्रेसिव देन आईबीए क्योंकि जो बिजनेस स्कूल टाइप होते हैं ना वो बड़ा हाँ. एक नैरो उसमें के बेटा इधर आओ पढ़ो घर जाओ ज्यादा सोशल साइंस का होता नहीं है ना हां वो नहीं होता हां तो वो लेकिन मैं बेस्ड ऑन माय इंटरेक्शंस के यू के बच्चों से जब मैं बात करता हूं आई फाइंड देम बेटर

बस बनाते खैर <laughs> yeah. वहां तब भी मसले होते थे एनसीए से मसले होते थे जीसी को एनसीए तो फिर एक <laughs> yeah, वो तो

तो इंडिया ने भी yeah. तो वही किया यार उन्होंने तो नहीं बनाई ना <laughs> वही ना मतलब जस्ट लुक नेक्स्ट डोर एंड देन यू लॉस्ट हाफ योर विंग दिस डिसीजन दे तो हु वाज राइट बट नहीं बनाते क्या पंजाबी बना देते नहीं जस्ट ब्रेक दैट मोल्ड नहीं पाकिस्तानी आइडेंटि नहीं बनाते भाई mm. Why, why do you need to make a column that this Pakistani identity and everything apart from this is not the Pakistani identity? Yeah. When you yourself do not know what falls in that identity, Bilkul. it seems like. Metaphysical no I think the only idea they had was the Pakistani identity is not India. <laughs> yeah. But. I think a realist. He said in the that the only thing that united Pakistan is hatred towards India. So, when he said this, he the prediction

मार भी दिया और सबसे बड़ी बात यह कि उसके बाद विलन बनाया ये भी नहीं कहा कि लोग उनको मतलब सलूट करें या सारा कुछ उतना उतनी रिस्पेक्ट करें जितनी यहाँ पे आपके हीरोज़ को करते हैं अब जिस तरह से बाचा खान की लाइफ की अगर आप पढ़ें यार मतलब इट्स एबसोलूटली अनबिलीवेबल के इतना मैंने फोलियो बुक्स की किताब अच्छा मतलब इतना बड़ा लीडर जो कि आपकी सरजमीन पे किसी दौर में आपने उसको जेल में रखा हुआ था जिसने ये कहा कि इतना गौरों ने मेरा वो अशर नहीं किया जो आपने किया था तो उसको बुला दिया गया किसी किसी से लाहौर में जाके पंजाब के किसी शहर में नाम ले लोगों को पता नहीं कौन है ठीक है फ्रंटियर गांधी कहते थे उसको वहाँ पे और वो सिर्फ इसलिए कि वो दफन अफगानिस्तान में हुआ ये आपको बस है कि ये क्यों किया फ़ैसला उसने तो नहीं समझ आती तारीख के उनकी एक एथनिक आइडेंटिटी कितनी प्री डेट करती है आपकी स्टेट से जो आपने बनाई है तो आपने कायदे आजम की बहन को कर दिया कर दिया कायदे आजम की फैमिली ने पाकिस्तान छोड़ शेख मुजीब वो जो था वो फातमा जनाक को सपोर्ट कर रहा था वेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशन के अगेंस्ट तो इसके बाद क्या रह जाता है सोचने के लिए आपके पास के गद्दार कौन है स्टेट so yeah, के बारे में आप बोल सकते हैं बट आई डोंक मोस्ट ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम में अभी भी विराट कोहली की शर्ट पहन के लोग जाते हैं भाई मैच देखने के लिए

या yeah. जॉइंट दिवाली थिंग के साथ पटाखे फाड़ेंगे स्पेशली सिंध में मतलब एक बड़ा एक एक वाइब्रेंट मुझे वो हेल्दी किस्म की प्लूरेटी लगती है कि वो थी जिस तरह थर्क में भी आप देख लीजिए कि वहाँ डायनामिक्स बिल्कुल अपोजिट थे तो उधर एक रिस्पेक्ट इवन पीपल्स पार्टी के कुछ पॉलिटिशियंस को मैंने देखा वो दिवाली में मंदिर में भी चले जाते हैं जो कि पंजाब में कोई पॉलिटिशियन सोच भी नहीं सकता कि मंदिर की तरफ जाए या ये वो करे तो प्रोग्रेसिव कल्चर यहाँ पर भी हुआ ये कि जो स्टेट ने पंजाब सेंट्रिक आइडियोलॉजी बनाने की कोशिश की उसमें इंडिया बिल्कुल माइनस था उसमें कोई स्पेस नहीं थी डिफरेंट कल्चर्स की और कोई वीडियो वायरल हो रही थी नवाज शरीफ होली का केक काट रहा था और आ, होली सेलिब्रेट हो रहे थे वो बाहर लंदन में किया उन्होंने अच्छा जनाब ने अच्छा। तो <laughs> स्टिल समथिंग या तो ये है कि एक सबसे बड़ा लेसन जो लेना था वो सेकुलरिज्म का था जो कि हम मिस कर गए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म वेरी वेरी सेंट्रल

ज जब आप एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं इवन इफ नॉट इन ने पाकिस्तान क्या इस्लाम का, hmm. का कोई रोल नहीं होना चाहिए ऐसा कभी ये कुछ सेक्युलर लेफ्ट आर्ग्यू कर सकते हैं बट ये रियालिटी में कभी नहीं स्टैंड कर सकता कि पाकिस्तान में इस्लाम का कोई रोल होना ही चाहिए आपने told, उसी के नाम से लिया है exactly तो नहीं. आप कह सकते हैं जी इस्लामिक स्टेट नहीं मुस्लिम स्टेट होना था बट वो

तो मैं तो उस फैक्शन से अग्री नहीं करता जो कहते हैं कि टोटली सेकुलर प्रिंसिपल पे रियासत बनी थी तो भाई फिर वहीं रह लेते वो भी सेकुलर बनने जा रहा था आपको तो पी भी ऑफ़र की थी उन्होंने हिंदुस्तान की तो यहाँ आए इसलिए थे कि आपकी पूरी पॉलिटिक्स एक आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स थी तो कोई ये कह दे कि उसका रूल उसका कोई अमल दखल नहीं था लॉफेबल है मुझे लगता है ऐसा नहीं था लेकिन हाँ मुश्किल कितना है वो करना इतना मुश्किल ना होता अगर लीडरशिप शुरू में डिसाइड करती वन पेज पे होती लेकिन जिस तरह से कंस्टिट्यूंट असम्बली को उठा के बाहर फेंक दिया जो है ना वो ग़लम मोहम्मद ने गवर्नर जनरल की एक आपने ट्रेडिशन कायम कर दी पी को आपने वैसे ही ड्वार्फिज्म का शिकार करके छोटा कर दिया कि इसकी तो ही कोई नहीं है क्योंकि आपने जो अनेक्टेड अहदे थे वो क्रिएट करके एम्पावर कर, कर दिए ठीक है तो इसी वजह से आपने ट्रेडिशन नहीं डाली डेमोक्रेसी के ना तक पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की कोई औकात नहीं थी।, थी बिल्कुल वो किसी ना किसी फॉर्म में आके वो चैलेंज होता ही रहा है बेचारा फिफ्टी एट टू बी आ गया जी ये आ गया कू हो गया तो ये चीज़ है कि सेकुलरिटी हो सकती थी किसी किसी सूरत में अगर आप कन्फ्रंट करते उन एलिमेंट्स को जो कि पाकिस्तान के ठेकेदार बन गए जिनका ताल्लुक नहीं था पाकिस्तान मूवमेंट से इतना जो कि पहले कहते थे कि इसकी मूवमेंट ही हराम है चलाना

जो लॉ है कि अगर आप शादी के नमीन नहीं रहते नबे दिन में इलेक्शन नहीं होता तो हो आप झूठे हो गए आप शादी के नमीन तो नहीं रहे उन्होंने कहा ये कोई कुरान का हरफ नहीं है मैंने कह दिया, कह दिया कोई बात तो फिर आप झूठ है ना आप झूठ बोल रहे आप शादी का अमीन नहीं है तो आप इस्लाम का नारा कैसे ले सकते हैं जब आप कौन से इतना झूठ बोल रहे हैं

छुपाया हुआ था तारे के लिए, अपने घर पे छुपाया हुआ था और जो पुलिस का हेड था वो आया, आया। <laughs> तो तो हाँ। बैठे गालियाँ देते रहे ये जो लोग ना पिंडी से उसमें भी देख लियाकत साहब ने मतलब इन टोटल पैनिक सरगोदा में जलसा हो रहा है और वो उन्होंने वहीं पे बंद करके उसको जल्दी से सिकंदर मिर्जा को और युग को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये साजिश हो रही है मुझे बचा लो तो वो उन्होंने कहा ठीक है जी बंदे सारे उठा लिए उन्होंने आई थिंक उठाने का जवाब था था लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो लेफ्ट की ट्रेडिशन है वो भी बेचारी मिलिट्राइज ही थी, थी उस टाइम पे इस तरह की थी वो भी एक्स फौजी जो है ना उसको लीड कर रहा था तो उसके बाद में वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो गई वो सारा कुछ हो गया हिंदुस्तान में ये वाली चीज़ भी ये करनी चाहिए हमें डिस्कस के वहाँ पर जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे डिफरेंट आइडियोलॉजिकल फोर्सेस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं मतलब वो जो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स है वो कितनी मुख्तफ है मोदी से ठीक है कितने लेफ्टस्ट स्पेक्ट्रम पे फॉल करती है इनकी बिल्कुल डिफरेंट है आम आदमी की बिल्कुल डिफरेंट है वो ज़रा सोशलिस्ट पॉपुलिस टाइप अपील बनाई हुई है उन्होंने रोटी कपड़ा मकान टाइप जो यहाँ पर थी तो ये हमारे यहाँ पर नहीं है हमारी सारी पार्टीज़ आहिस्ता आिस्ता राइट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने ईवन पीपल्स पार्टी इस स्टेज पर आकर आप ख़ुद कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है तो इसीलिए कि हमने ये जो एक डाइवर्सिटी थी पोलराइजेशन थी एडियोलॉजिकल वो तो ख़त्म हो गई तो वो एक जगह पर आके सेंटर हो गया तो जब डिस्कोर्स ख़त्म हो जाएंगे सियासत से तो फाशिजम निकलेगा क्योंकि सब एक ही बैंक में आके बैठना चाह रहे हैं कि मुझे वज़ी अजम बना दो अगेन ना आप जिस तरह है एम क्यू में इतना इस्लामिक टच लाती नहीं है अपनी पॉलिटिक्स में नहीं। अभी भी नहीं है इतना नहीं है अब इसे बोल देते होंगे इधर उधर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया कम्पेयर टू एल्स मुस्तफ़ा कमाल ने भी मतलब ज्यादा ही हमको हमको हिंदू हैं वो जो कर दिया था उन्होंने ना हाँ तो ज्यादा हो गया था गलत बात थी क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स महदूद है कराची से उन्होंने नहीं वोट लेना पंजाब में बिल्कुल तो उनको वो पॉलिटिक्स करनी नहीं जो पंजाब को पीस करेंगी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लेना है

साजिश करके डिलीट किया विल ऑफ द पीपल को बिल्कुल yeah. ओवरकम किया कुछ लोगों ने कम वो हाँ। तो जब आप लोकलाइज करेंगे पॉलिटिक्स एंड एटीन अमेंडमेंट का हम जितना क्रेडिट दें पीपीपी को उनको ये भी क्रिटिसिज्म आता है कि आपने प्रोविंस दे, दे, दे दी पर आपने लोकल नहीं दी फिर बिल्कुल वहाँ आपने रोक लिया प्लिटी एग्जिस्ट कि इस्लामाबाद में बैठ के मैंने नहीं कंट्रोल करना कि जी सदर में गटर खुला है तो उसका क्या होगा वेरी वैलिड बिल्कुल लेजिसलेटर का ये काम ही नहीं है भाई ये ट्रांसफार्मर लगवा दो मजाक बना दिया भी थे भुट्टो ने बंद कर दिए थे जिया ने रिज्यूम कर दिया आके तो उसके बाद में तो ब्रीफ केस कल्चर पॉलिटिक्स में शुरू हुआ जो एम एल एन ने किया पीपल्स पार्टी पे करप्शन का नहीं था लगता इल्जाम उससे पहले कभी भी लगा ही नहीं था ये इधर से हुआ था कि मैरान बैंक स्कैंडल का केस अब भी चल रहा है यूसुफ नजर की पूरी पॉडकास्ट में डिस्कस हुआ अच्छा था जब वो थे तो उसमें फिर वो देख लें वो किस तरह से ब्रीफ केस बटे क्या कुछ हुआ बाद में मान भी लिया कोर्ट में जाके उन्होंने कि किया गुल साहब यूज टू इंडोर सिट के यहाँ ठीक है किया तो वो उसके बाद में पोलिटिकल कल्चर पलूट हुआ बहुत ज़्यादा और वो करप्शन करप्शन के नारे और ये सारा कुछ तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी वैलिड के वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट पावर का ना हो तो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है ना लोकल बॉडीज के अलावा डेमोक्रेसी नहीं है कैसे होगी और पार्टीज डरती हैं उससे आज भी डेमोक्रेसी I mean, तो थी क्या जो डिलीवर करे डेमोक्रेसी hmm, पाकिस्तान में रही कब है जो बेचारी कुछ डिलीवर कर सकती है आपको डेमोक्रेसी हमें क्या दिया ठीक है hmm. वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पावरफुल क्वार्टर से बात करूंगा <laughs> तो ये डेमोक्रेसी है बेचारे हमारे जो आजकल सुप्रेमेसी का नारा लगा रहे हैं इमरान खान साहब हो वोट oh yeah, कराने के लिए तो ऐसे को फोन करना पड़ता था कि पॉलिटिक बंदे ले हाँ। hmm. कैसे ये प्राउडली कह yeah. yeah. जनरल तो, जब जब बाजवा का कोर्ट मार्शल कहते हैं hmm. इस पे तो ये तो ग्राउंड्स फॉर डिस्मिसल है आप लोगों क्या आप ये कर रहे थे इंटेलिजेंस एजेंसी को आप इस तरह यूज कर रहे थे और आप तो, खुद एडमिट कर रहे हैं प्राउडली कि मैं तो ये ये करता था मरियम साहबा कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर ऑफिस बनाया हुआ था पीटीआई के दौर में अंदर हासिल बद साहब ने जब सेनेट के इलेक्शन में बाहर आके जवाब दिया उन्होंने कहा किसका करना चाहिए। आ, क्या कह रहे थे? वो ये क्या हुआ है बंदे तो पूरे थे आपके उन्होंने कहा फैस को जानते हैं आप <laughs> तो उन्होंने कहा जी वो जो आईएसआई के डीजी हैं उनका इलेक्शन था ये हमारा नहीं था उन्होंने कह दिया शायद कैंसर था उनको इसलिए वो जगरा दिखाया उन्होंने इस तरह से और लेकिन वो बड़ा एविडेंट है कि उस टाइम पे जो जो सब कुछ हो रहा था तो बड़ी क्रिपल्ड किस्म की यहाँ पर सिविलियन सुप्रेमसी हमें एक्सरसाइज करते हुए हम देखते हैं कैबिनेट नहीं बना सके खान साहब अपनी आतिफ मियाँ का ऐलान किया पहले दिन ही मैं समझता हूँ कि डील हो गई थी उनकी पावर जब वो नहीं रख सके उसको

ये है। और फिर फिर क्रिटिसिज्म आया था था तो फिर इनका एक इंटरव्यू हुआ मीडिया में डिस्कशन उस, उस नहीं होगी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो गई शुरू जिस तरह से भी और उसके बाद में भी वो लॉकडाउन जब हुआ कोविड का तो इन्होंने टीवी पर आकर क्या कहा था कि नहीं होना चाहिए था ये ताकतवर लोगों ने लगा दी है

It, it's very evident. आप लेकर आते हैं प्रेजिडेंशल वो सिस्टम वो है. ले आऊँगा ठीक है यहाँ पे ये भी जनाब ने कह दिया कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में डेमोक्रेसी वाली चलती है क्योंकि वहाँ इखलाकियात का hmm. मैार अच्छा होता है वही ना कि हम हम इतने

Yeah. और मैं तो यूके की सोसाइटी में भी इक्वल हूँ और इधर भी equal no और एंड ही वॉज नॉट ट्रीटेड एज एन इक्वल ये जो इनकी हेटरेड आती है ना इनके लिए वो इसलिए आती है बिकॉज आप तस्वीरें पोस्ट करने से कुछ भी नहीं होता चार <laughs> पांच कैंडल्स होने से कुछ भी नहीं होता सो yeah. नाव so now वो एक कॉलोनियल सेवियर कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि मैं आगे पाकिस्तान को बचाऊंगा बिकॉज़ आई नो बेटर कि मैंने पूरी मगरीब देखी हुई है मुझे ये भी पता है वो भी पता है तो वो यही है कि लोग अब आपको भी शेम करते होंगे मुझे भी करते हैं कि यार अब अब एक बंदा लड़ रहा है एस्टेब्लिशमेंट से तुम तो यही बात कर रहे थे उसको बैक करो उसको सपोर्ट करो तो मैं ये कहता हूं कि भाई इज ओन प्रोजेक्ट इज आल्सो द एस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट वो भी वही है इट्स द एस्टेब्लिशमेंट फाइटिंग द एस्टेब्लिशमेंट सो आई डोंट हैव टू पिक अ साइड मैन

के पुराने जमाने में इंडिया पाकिस्तान के जब पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर थी आ, तो एक दफा ना एक पाकिस्तानी कुत्ता लाइनों कंट्रोल पे गया तो उसने देखा ये कांगड़ी सा लेंडी सा कुत्ता इंडिया से आ रहा है उसने उसको बोला कि तू उधर क्या कर रहा है उसने बोला जी बड़े मसले ने ना खाने को है भूख लग रही है प्यास लग रही है मरने वाले हालात हो गए हैं पाकिस्तान आ रहा हूँ यार कुछ खाने को मिल जाए कुछ पीने को मिल जाए उसने तो बोला यार चल अल्लाह रखे रब रखा तेरा ख्याल रखते अच्छा वो जाने लगा इंडिया तो ये इंडियन कुत्ते ने बोला कि ओए मेरा तो समझ में आता है तू अगर उधर जा रहा है तो क्या पाकिस्तान में भी खाना नहीं है <laughs> तो बोला नहीं जी मजे है खाने खाने <laughs> तो महफिलें लगी हुई हैं बोला फिर पानी नहीं, बोला नहीं, नहीं। है सब पानी नहीं वही बहुत पानी पानी है मौज है तो बोलता यार पानी भी है खाना भी है तो तू इंडिया क्यों जा रहा है उसने बोला खाने को भी बहुत है पीने को भी बहुत है बस भौंकने नहीं देते <laughs> 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 क्या मसला है यार <laughs> अजीम प्रॉब्लम बताइए बट ये हमारा भी वैसे यही प्रॉब्लम है कि आई थिंक फॉर फॉर ऑल ऑफ द पाकिस्तान इज द फैक्ट दैट हम यहाँ भौंक सकते हैं I'm sure <laughs> आपको मुझे हमको अगर कल चाइना ऑफर हम नहीं totally नहीं नहीं जाएंगे एट अनएक्सेप्टेबल भौंकने क्या डॉग भौंकेगा तो तो करेगा ये एक एक आप एक वो है कि एक, एक, दिस दिस मेंटल स्टेट ऑफ़ ऑफ़ फ्रीडम दैट यू वांट मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल द परसेप्शन एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव सेड एवरी थिंग दैट केम टू माई माइंड एंड स्टिल सरवाइव सम हाउ सो देर आर कंस्पेरेसी थेरीज अबाउट इट इज़ वेल दैट ही इज ही इज़ देअर मैन सो क्या कह सकते हैं उस पर बट आई थिंक देर इज़ अ स्मार्ट वे टू डू थिंगज इज़ वेल यहाँ पर लोग सिर्फ ये कह देते हैं कि अच्छा ये बात करोगे तो फिर तो तुम गए और अभी मैं कराची आ रहा था तो मुझे इतने मैसेज आए हुए हैं कि ध्यान से जी वहाँ ये हो जाएगा मतलब पी पीपल क्रिएट दिस पैर नोया और वो आपको बता बता कर आपका हौसला तोड़ते हैं जान के जो नहीं करना चाहिए बट सर प्रिवलेज भी तो है ना यार आप और मैं जो कह सकते हैं hmm. वो पीटीएम का कोई मेंबर नहीं कह सकता या यार वो एक रिलीजियस माइनॉरिटी का नहीं कह सकता बिल्कुल नहीं हो सकता लेकिन हमारी तरह के लोग भी नहीं कह रहे थे जब मैंने स्टार्ट किया मुझे अब तो ज़ाहरी बात है इट्स वेरी डिफरेंट क्योंकि जब आपका एक फुटप्रिंट आ जाए तो, तो ज़रा और ट्रीटमेंट हो जाता है आपका बट जब स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली हमारी तरह के मेरी तरह के बच्चे जो स्कूलों में मेरे साथ पढ़े हैं या फिर मैं साउथ पंजाब से आया लाहौर में मुझे तो वहाँ पे शेम करते थे तेरी अंग्रेज़ी सही नहीं है तुझे ये नहीं आता वो नहीं आता ये सब चीज़ें हैं फजूल स्कूल में पढ़ा है एजसन नहीं गया ये नहीं किया लंद नहीं किया तो ये वो चीज़ें हैं कि वो सब देखते हुए भी मतलब उस तरह के लोग जो मेरी कंपनी में थे दे वर नॉट डूइंग इट एज़ वेल रेलिटिव वर से भाई क्या डोंट शूट योर इन द फुट मैन डोंट डू इट तो वो थोड़ा सा आपको उसमें मिक्स एंड मैच करना होता है और एक ही बात करने का तो एक थोड़ा सा तरीका ऐसा होता है जो कि इतना डेंजर नहीं करता आपको जो शायद किसी और तरह से yes, I mean, वाक़ आपने कराची में पढ़ा होगा जी जी पढ़ा है किस वजह से जी वो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रही थी

जो लोग बहुत ज़्यादा कल्ट वर्शिपिंग का शिकार होते हैं तो वो कुछ भी इस्तेमाल में आके कर सकते हैं कहीं पे जाके भी इवन वेन आई वेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी रिसेंटली तो उसमें उससे पहले बहुत लोगों ने कहा कि भाई ना जाएँ ये हो जाएगा वो ये आई जे टी है ये सब कुछ है तो बट आई डिट्स माई ओन कैलकुलेशन और मैंने देखा कि क्या कुछ बदला है क्या कुछ नहीं बदला क्या बात हो सकती है और किस तरह से हो सकती है अब उसके अगेंस्ट कोई ये कहे कि जाना ही नहीं वहाँ पे तो उसकी एक हिस्ट्री है कि वहाँ ये बातें नहीं हो सकती तो वो कभी बाउंड्री वॉल पुश नहीं हो सकती आगे सो दैट्स आई आई वुड से कि कैलकुलेशन वो तो होती है ऑब्वियस बात है है कि हमारी एक लार्ज क्लास जो अपने बबल्स इंजॉय करती है जिसके मुल्क वहीं पर है जहाँ आप सोच रहे हैं बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं है वो है भी नहीं ना यार क्या पढ़ूंगा मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे करने से क्या फर्क पड़ जाएगा एंड not to bring it back to Imran Khan. But a lot of times when people criticize me for fighting Imran Khan's bayaniya much stronger than PDM's, एक तो मुझे पता भी नहीं कि PDM का कोई बयानिया है अभी वो yeah. बयानिया बनाएंगे तो मैं लडूंगा ना नहीं no, मैं but one one fundamental mistake that Imran Khan made is के जरदारी नवाज शरीफ चोर है mm. मैं बचा लूंगा and in doing so mm. he protected the entire elite status quo who was not nawaz sharif and zardari इस्टबलिशमेंट yeah. के, के जो सारे इल्ज हैं वो इल्ज नहीं है और इनको जो बुरा बोलेगा वो ट्रेटर है अमीर जो लोग हैं उन सब के जो इलीट सब्सिडीज पाकिस्तान में क्लोज टू बिलियन मिलती है, वो भी जायज़ yeah. है लीगलाइज भी जायज़ है सिस्टम भी जायज़ है सपोर्ट किया तहरीक इंसाफ नाम की पार्टी ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एमनेस्टी स्कीम दी मलिक रियाज यूके की गवर्नमेंट ने बोला भाई ये कर पैसा है आप ले लो वापस इमरान खान उठा के मलिक रियाज को दे दिया इन डिफेंसिबल चीजें की सो दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस नैरेटिव नॉट दैट आई डोंट थिंक नवाज शरीफ एन आर नॉट करप्ट आई थिंक दैट्स नॉट पाकिस्तान सेंट्रल प्रॉब्लम पाकिस्तान सेंट्रल प्रॉब्लम इज दिस इंटायर इलीट नेक्सेस और जो लोग इसी का पार्ट होकर बड़े पी सपोर्टर्स बनते हैं समवेयर सबकॉन्शियस में दे आर कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट अब रूडा के जो चेयरमैन हैं उनकी बेटी सोशल मीडिया पे सबको गालियाँ देती है कि तुम लोग करप्शन के खिला, खिलाफ नहीं खड़े होते तुम लोग इमरान खान के साथ खड़े हो <laughs> भाई आप पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर demolish कर डिमोलिश कर करके yeah. रावी के ऊपर वाटर hmm. बेड लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं जिनमें कौन कौन लोग हैं खुद देख लें सही बात है और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हम हक और सच के साथ खड़े होंगे नो यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम माय डियर

तो मसला ये है कि अब ये सारे क्रिटिसिज्म पे जवाब ये आता है कि भाई इनका ज़्यादा क्यों और उनका कम क्यों तो मेरा जवाब तो भाई सीधा है मतलब ऑब्वियसली अगर मैं जितनी भी एफर्ट कर लूँ ये बताने के लिए कि मैं बड़ा बैलेंस उसको रखूँगा मैं नहीं करता अगर मैं दस बार तनकीद करूँगा ना सात बार उसमें से इमरान खान पर इसलिए होगी बिकॉज आई सी हीम एज अ ग्रेटर थ्रेट टू द सिस्टम देन अदर पीपल बिकॉज बाकी सारे जो हैं दे हैव लॉस्ट देयर अपील दे हैव बिकम इिवेंट और वो उनकी मैज अपील ही नहीं है अब मुझे कोई कहे कि यार ये मेरा हमसाया इस पर कभी तुमने वीडियो क्यों नहीं बनाई कि ये इतना बुरा है तो मैं कहूँगा बिकॉज ही इज इलिवेंट तो उस तरह से शरीफ जरदारी की रेलिवेंसी इमरान खान के स्टैचर की रेलिवेंसी पे नहीं खड़ी हुई जर्नलिज्म का काम क्या है पावर को क्रिटिसाइज करना पावर कहाँ लाए कर रही है वहाँ पर क्योंकि वहाँ मैस अपील ज़्यादा है तो ऑब्वियसली देर वुड बी अ डिस्पैरिटी इन क्रिटिसिज्म कोई बेवकूफ़ी कहेगा कि अल्ताफ हुसैन पर भी उतनी तनकीद करो जितनी इमरान खान पर करते हो इस टाइम पर जब वो इेलीवेंट है तो मैं तो सिर्फ ये बात करता हूं कि यस आई एम बाइस्ड बिकॉज आई हैव टू बी बिकॉज यू ऑल आर बाइस्ड नहीं एक तो तबका है कि अगर आप एक घुटने पे झुक कर इमरान खान से मिले तो बोलेंगे कि देखो कितना बायस है दोनों घुटनों पे नहीं झुका नहीं किया मुझे लिटरली मैसेज आते हैं यू कैन नेवर स्पीक द ट्रूथ बिकॉज यू डोंट स्टैंड विद द ट्रूथ बिकॉज द ट्रूथ इज इमरान खान अब मैं क्या डिबेट करूं भाई सही कह रहे हैं मुझे मतलब लिटरली ट्विटर पे, पे वाई, वाई वर यू साइलेंट ऑन दिस मैं लिंक पोस्ट कर देता हूँ एंड अंदर लाइक नहीं ये तो तूने सिर्फ इसलिए बोला ना ताकि हम हमें लगे तू बैलेंस मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं आज ये मुझे बैलेंस बोलेगा मैं टाइम मशीन में जाकर साल <laughs> पहले इस पर वीडियो बना दूँ वो मुझे भी एक बड़े मशहूर एक्टिविस्ट हैं यहाँ से भागे हुए हैं बाहर यूरोप में तो उन्होंने वो ट्विटर पे हर एक को गालियाँ देते हैं तो उन्होंने मुझे भी कहा कि ये कहीं किसी ने मेरी वीडियो पोस्ट की ट्विटर पे उन्होंने नीचे कमेंट किया ये इस तरह की चीज़ें इस्टबलिशमेंट ने खुद छोड़ी होती हैं लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए अगर इसमें इतनी इतना इतना पानी है ना तो पे बात करके दिखाया मैंने नीचे वीडियो का लिंक पोस्ट कर दिया। <laughs> तो फौरन बात उसका भी कर दिया तो फिर आता बातें खत्म होगी लेकिन गालियां फिर भी दे रहा था मतलब मुझे लोग ज्याला बोलते हैं आई डाउट मेरे अलावा किसी ने वीडियो बनाई पॉडकास्ट किए ऑन पी 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 कलूडिंग बेल्ट कर टाउन। मेरे कोई कर भी नहीं सकता <laughs> हम जो चार साल पहले चार साल से जो पॉडकास्ट कर रहे हैं जिनपे सारी दुनिया की गालियाँ मतलब हम तो चलने पे बात कर रहे हैं ना क्या ये मसला है आप तो डायरेक्ट गालियाँ दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह के लोग ये रियलाइज नहीं करते जब वो ये कहते हैं ना कि अच्छा जी ये करके ये मशहूर होना चाह रहा है तो भाई मशहूरी उसको सपोर्ट करके मिल रही है अपने जो तुम्हारे पे रोल पे यूट्यूबर हैं उनकी फॉलोइंग देखो और उनकी जो पिगी बैंक कितना बड़ा हो गया वो देखो जाके फिर उसको कंपेयर करो मतलब मेरे आपके तो मिलियन नहीं हुए ना सब्सक्राइबर्स मैं तुम्हें इन एवरी थिंग अपॉन दैट एंड टेल यू कि मेरा जो करियर है ना मैं ये नहीं बोल रहा इमरान खान को सपोर्ट मैं अगर कोई पोलिटिकल बात ना करूँ मैं चुप हो जाऊँ यार पोलिटिकल मैंने कोई बात नहीं करनी यार yeah. आज से कम अज़ कम टेन फोल्ड होगा

तो आके तो हमें चुकवा भी सकते हैं कोई मसला जब नहीं जब वो था तब कौन सा मैं चुप हुआ यार वही तो बात है ना ठीक है ना तब तो, और इंस्टीट्यूशनल जो अभी आजकल एंटी स्टेब्लिशमेंट बने हुए मुझे भी बूट पॉलिस बूट पॉलिस बोलते हैं आम आपको भी बोलते हैं <laughs> अबे जब वाकई था ना कि ये उठा सकते हैं तब बोलते थे हम एग्जैक्टली exactly, उस उस दौर में शोज बंद हो रहे थे छापे पड़ रहे थे जो है ना वो बाद में एफआईआर सामने आ रही है पहले छापे तो किसी और वजह से पड़ रहे थे आप नहीं, दूसरे नहीं, तो पकड़े गए अच्छा, वो, वो तो और चीज है लेकिन अब सार आलम साहब को देख लें किस तरह से वो गोलियां शोलियां मारी हैं और उसके बाद में खान साहब ने आमिर मीर को कहा कि वो कौन है मेरे दौर में हुआ था ये मुझे नहीं पता हामिद मीर को गोली लगी उसकी पट्टियों का नेशनल मजाक उड़ाया गया क्यों इसने शर्ट के ऊपर पता नहीं नवाज क्या शरीफ की बीवी मरने वाली थी नेशनल जोक था नवाज शरीफ के प्लेटेलेट्स नेशनल जोक हैं अबसार आलम के कान में एयरपोर्ट लगा हुआ था वो चीज़ वायरल करके उसका मजाक उड़ाया गया असद अली तूर का मजाक उड़ाया गया मतिल्ला जान का मजाक उड़ाया गया इमरान रियाज खान चौधरी गुलाम हुसैन ज्यादती के मजाक कर रहे थे मती जान के साथ और आ, रहे थे उमर के साथ भी यही हुआ एवरीबॉडी एंड नाउ आप मतलब कोई बात कर लें hmm. के जी, मुनीर को हटाया गया था बिकॉज जनरल आसिम मुनीर आसिफ मुनरप्शन टू डू दस्ट लेडी बीवी टू yeah. इमरान खान एंड yeah. इमरान खान बाजवा टू रिमूव वो नहीं कह रहा ज़राए से खबर आई है ये हैं, आप लोग गूगल कर लें yeah. इस पे लोग पीछे पड़ जाएंगे तुम्हें तो शर्म नहीं आती तुम हो, तुम के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो <laughs>

और अब आके जो टेक स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करना और बिजनेस मॉडल्स आप रियल स्टेट से इस तरफ लेके आए जरा तो दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग टू लर्न जो कि उन्होंने एग्जीक्यूट किया आईआईटी की जो मिसाल आपने दी जो नेहरू ने सो exactly. so नेग्जैक्टली आप वो उससे बड़ी बेहतर पॉडकास्ट से पहले कर चुके हैं इकॉनमी के ऊपर और वो जो सारा एनालॉजी थी इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ तो ऑब्वियसली हाँ ये बिजनेस मॉडल जो था ना स्टेट की नेचर चेंज करना वेरी इम्पोर्टेंट जो नाइन्टीज़ में वो भी आई गए हुए थे mm, 91, 91 okay. में, तो उसके बाद जिस तरह से एक सडन शिफ्ट इन थिंकिंग एंड ऑल ऑफ की सैद मजम्मिल खुद लर्न करता हूँ इसमें मैं एक और आदमी को बहुत ज़्यादा अप्रीशियट करना चाहूँगा कि जिस तरह की आप बातें करते हैं जिस तरह के आप इंसान हैं hmm. आपकी हर वीडियो पे अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कमेंट करते हैं <laughs> क्या कमाल बंदा है है यार वो इट कम्स सरप्राइज जब भी आता आई थिंक उसको ना ही पर्सन बिकॉज़ देखें आप और मैं मैं अगर अगर बात करें ना इस्लामिक रेफरेंसेस भी करूं, लोग इसी बात हैं कि मैं इस तरह इंजीनियर मोहम्मद करते हैं हमेशा तो वो जो एक्सपोज कर रहा है ना आप और मैं ना कर We सकते ना कैपेबल yeah. है एग्जैक्टली वी वुड बी टेकन आउट वेरी अर्ली अगर वो करने की कोशिश करें बट इवन हिम ही हैज हैड असैसिनेशन अटेम्प्ट्स ट्वाइस मल्टीपल टाइम्स अभी रिसेंटली भी किसी ने uh, किताब के अंदर पेजेस स्क्रैप करके गन छुपाकर लेके जा रहा ah, था वो सुना था मैंने बिल्कुल तो इंजीनियर साहब अगर आप देख रहे हैं मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूं या ना, <laughs> ना। जाकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को देखें सेत मुजम्मल शाह को देखें अब तक इनके हंड्रेड के हो चुके होंगे तो कॉन्चुलेशन <laughs> <laughs> हंड्रेड के एंड कॉन्ग्रेचुलेन फॉर बीइंग थैंक यू बींग्रेचुलेशन का थैंक यू फॉर बीइंग बीर अभी तीन घंटे हो गए तो लफ्ज़ आगे पीछे हो सकते हैं थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर टेक केयर बाय